हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस लेक्चर सीरीज में, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने यूपीएससी के प्रीलिम्स 2019 में 142 कैसे स्कोर किया था। तो गाइज, मेरी ऑलरेडी इस लेक्चर सीरीज में मैंने दो लेक्चर्स ले लिए हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 2019 के पेपर में मैंने एग्जैक्टली क्या किया था, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 50 हमारा डिस्कस हो गया, क्वेश्चन नंबर 51 to 100 हमारा डिस्कस हो गया। लेकिन गाइज, जैसा कि मैंने बताया है कि इस सीरीज में हम लोग जो पिछले 5 साल के यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए यूपीएससी के अगेंस्ट में। बिकॉज याद रखो, ये एक महाभारत का युद्ध है यूपीएससी के अगेंस्ट में, और इसमें आपको अपने अस्त्र शस्त्र सब कुछ साथ में रखना होगा। एंड नो डाउट आपको कहां से पता चलेगा कि यूपीएससी एग्जैक्टली किस चीज की बनी हुई है, वो आपको पता चलेगा जब आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे। तो गाइज, मैं सारी की सारी चीजें जो है, तो यूपीएससी के 2019, 18, 17, 16, 15, तो ये 5 साल के तो क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे ही, जिसमें हर सेशन में 50 क्वेश्चन, ऐसे टोटल 10 सेशन होंगे। बट उसके अलावा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लॉजिक भी बताऊंगा कि कहां कहां पे आपको जो है कौन सी टिप्स यूज करनी चाहिए, कौन से सोर्सेस यूज करने चाहिए, कौन से करंट न्यूज यूज करने चाहिए, कहां पे कौन सा लॉजिक लगाना चाहिए। तो गाइज, आप लोग बने रहिए इस सीरीज में, और आज के इस सीरीज में हम लोग जो है वो शुरुआत करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 के पेपर से, जिसमें पहले 50 क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे। गाइज, एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोग जो है हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड नो डाउट बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे कोई भी वीडियो अपडेट आए तो आपको मिल जाए। गाइज, आप सब मेरे साथ में अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग मुझे मैसेज वगैरह करना चाहते हो, आप मुझे कर सकते हो बिंदास, और मैं आपका रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। तो गाइज, अब हम लोग मेरे बारे में एक थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जिसमें मैंने वैसे तो पिछले दो लेक्चर्स में ऑलरेडी बताया, तो आप लोग काफी ज्यादा फेमिलियर हो, बट एक बार वापस जो नए लर्नर्स होंगे जो सीधा इस लेक्चर पे देख रहे हैं, उनके लिए बता देता हूँ कि मैं एचयू देसाई में एज अ ज्वाइंट डायरेक्टर काम करता हूँ। इसी के अलावा मैं टॉप एजुकेटर हूँ अनअकैडमी और यूपीएससी गाइड जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गाइज, मैंने BEIT, LLB, MA, UGC नेट, JRF, MBA, ये सारे की सारी डिग्रियां ली हुई है। उसके अलावा मैंने यूपीएससी के 5 मेंस दिए हैं, मतलब मैंने 5 बार प्रीलिम्स क्लियर की हुई है। 2019 की जो यूपीएससी की प्रीलिम्स थी, उसमें मेरा 142 स्कोर था। बाकी पॉलिटिकल साइंस मेरा काफी फेवरेट सब्जेक्ट है, और वही मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी था, उसमें मुझे 296 मार्क्स है। तो इवन ऑप्शनल रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स है, ट्रिक्स आप लोग जानना चाहते हो, तो मैं जरूर आपके साथ में शेयर करूंगा। तो गाइस, चलिए लेक्चर से शुरुआत करते हैं, बट उसके पहले एक बात हम लोग समझ लेते हैं, वो है कि एचवी देसाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम सेंटर यूपीएससी और एमपीएससी के 2021 के बैचेस लॉन्च कर चुका है। अगर आपके कोई सगे संबंधी या आपके कोई फ्रेंड्स, या समझो आप लोग भी जिनका अच्छे से अगर एजुकेशन नहीं हुआ है, और आप चाहते हो कि आप लोगों का एकदम कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन हो जाए, तो आप लोग हमारी बैचेस जो है ज्वाइन कर सकते हो। बाकी पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर्स की भी बैचेस जल्दी ही आने वाली है, उसके लिए आप लोग जुड़े रहिए, और अगर आपके कोई भी डाउट है, आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पे फोन करके उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो गाइज, ये ऑलरेडी मैंने आपको यूपीएससी के बारे में पहले ही बताया हुआ है, बट ये जरूरी बनता है मेरे पार्ट पे भी कि आप लोगों को ये मैं बार बार याद दिलाऊं, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि यूपीएससी कौन है और उसके अगेंस्ट हमको क्या करना है। और ये जानने का बेस्ट तरीका एक तो है आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स और मेंस का सिलेबस। गाइज, बहुत लोगों को लगता है कि प्रीलिम्स और मेंस जो है वो अलग अलग चीजें हैं, बट ऐसा नहीं है। सब कुछ जो है वो इंटीग्रेटेड होता है। आपकी कुछ चीजें आपके प्रीलिम्स में काम आएंगी, आपकी कुछ चीजें आपकी मेंस में भी काम में आएंगी, और वो दोनों की दोनों इंटरकनेक्टेड होती है। तो आप लोग प्लीज इसको अवॉइड मत कीजिए, और मेंस का सिलेबस अच्छे से कवर करके रखिए, क्योंकि सिलेबस कवरेज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चीज को करने का। आप यहाँ पे चॉइस नहीं दे सकते हो, या आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते हो कि भैया मेरा साइंस अच्छा नहीं तो मैं साइंस को ऑप्शन में रख दूंगा, मेरा मेडिवल हिस्ट्री अच्छा नहीं तो मैं मेडिवल हिस्ट्री को छोड़ दूंगा। आपको करना होगा, आप अपना तरीका निकालिए, क्योंकि आप अगर प्रॉब्लम पे फोकस करते हो तो यू आर नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। What you have to find is, you have to find a solution. और उसी quality के लोग जो है वो UPSC चाहती है। No doubt, एक और जो सबसे important चीज है वो है calmness. समझो आपके सामने वहां पे दंगा वगैरह चल रहा है, तो नो डाउट आपको एक्शन लेनी है। एक्शन लेनी है तो आप लोग लॉजिकल एक्शन लेने वाले हो। अगर आप हड़बड़ाहट में अगर अपना कामनेस खो देते हो, तो आप लोग जो है पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे, बहुत सारे लोगों को मरवा के रहोगे। ऐसे लोग यूपीएससी अगेन नहीं चाहती है। एंड 100 में से हार्डली 20 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अपनी कामनेस फाइनल एग्जाम में रख सकती है। ओके,
अगर आप उसमें से हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो तो मेरे पास में एक ट्रिक है, वो है आपके डिसिप्लिन और हैबिट की। हैबिट में बहुत बड़ी पावर होती है, इसको हम लोग निग्लेक्ट करते हैं बट ये बहुत काम की चीज है। आप जब आपको पता है कि यूपीएससी 9:30 से 11:30 जो है वो हर बार क्वेश्चन पेपर आपको देने वाली है, तो आप लोग इस पीरियड में जितना हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बिकॉज क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना होगा, बिकॉज द मोर यू स्वेट इन द प्रैक्टिस लेस यू आर गोइंग टू ब्लीड इन वॉर, एंड फॉर दैट पर्पज यू हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चन पेपर। मे बी may it be vision, may it be forum IIS, may it be drishti IIS, या और भी कोई आपको XYZ जो भी पसंद है उसको solve कीजिए, but at least उसके जो भी 35 question papers वगैरह होंगे वो आप लोग solve कीजिए। अगर आप HV Desai competitive exam center के चाहते हो, no doubt आपको मिल जाएंगे। उसके लिए अगेन आप लोग नीरव दा या फिर अरविंद दा चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, आपको हमारे जो है वो प्रीवियस हमारे जो क्वेश्चन पेपर जो बने हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये कुछ टिप्स हो गई, बट उसके अलावा मैंने आपको हर बार बताया कि चार टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। टाइप ए में आपको पक्का पता होता है कि यही आंसर होगा, ऐसे आपके 30 से 40 क्वेश्चन होते हैं, इनको आप लोग ऑब्वियसली अटेम्प्ट करने वाले हो। टाइप बी के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो 20 से 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे, और ऐसे भी क्वेश्चन आपको हर बार अटेम्प्ट करने चाहिए। टाइप सी के जो क्वेश्चन होते हैं वैसे भी 15-20 क्वेश्चन आपके आएंगे, और इसमें आप लोग तीन ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपका अटेम्प्ट कितना हुआ है उसके बेसिस पे आप लोग जो है वो रिस्क लीजिए इसमें। और टाइप डी के क्वेश्चन अगर हो सके तो इसको अवॉइड कीजिए, बिकॉज ऐसे राम जाने क्वेश्चन जो है आपको डुबा के रहेंगे, और इनफैक्ट 2018 में बहुत सारे लोगों की नैया इसीलिए डूबी थी क्योंकि राम जाने क्वेश्चन में भी उन लोग जो है वो अटेम्प्ट करते बैठे। ओके, तो ये इट इज नथिंग लेस देन यू नो रशियन रूले, सिर्फ उसमें 6 गोलियां होती है, इसमें आपके पास में 4 गोलियां है, किसमें भी आप मर जाओगे। इनफैक्ट उसमें आपके बचने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसमें तो और कम चांसेस है। तो ऐसे भी जो 10 से 12 क्वेश्चन है उनको प्लीज अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, अनलेस आपका ऑलमोस्ट है ना 30 से 40 क्वेश्चंस ऐसे में पढ़ रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब है आपकी पढ़ाई जो है वो थोड़ी सी कमजोर है और आपको थोड़ा सा अच्छा कोचिंग लेने की आवश्यकता है। ओके, और उसके लिए अगर आप एचयू देसाई से जुड़ना चाहते हो आप कभी भी जुड़ सकते हो। बाकी महाभारत के अस्त्र की बात करें तो ब्रह्मास्त्र आपका एलिमिनेशन मेथड है, किसी भी ऑप्शन को जब भी आप मार्क करना चाहते हो, जैसे इसमें आपका सी करेक्ट आंसर होगा, बट उसमें जब तक आप सबको एलिमिनेट नहीं करो तब तक आंसर सी नहीं लगाना है, क्योंकि आपसे प्लैनेट पूछा है तो कॉमेट आपके निकल जाते हैं, तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड सिखाता है। नो डाउट आपको पता है मार्स जो है हमसे भी पीछे है, यूरेनस और पीछे है, तो फिर वो सन के सबसे क्लोजेस्ट कैसे होगा, तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर सी है, बट ये जब तक आपने तीनों को एलिमिनेट नहीं किया तब तक इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो इस चीज को एक ध्यान रखिएगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शंस को एक बार अच्छे से पढ़िए क्या लिखा हुआ है उसमें, जितने एक्सट्रीम्स हैं ऑल एवरी एनी ओनली यूजुअली 80% ऑफ द टाइम ये रॉन्ग होंगे, इसका मतलब इसका एक्सेप्शन भी है, 20% टाइम ये कभी कभी करेक्ट भी हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसके बेसिस पे कुछ ऐसी चीजें होती है। बाकी हाइपरबोले होते हैं जो इररिलेवेंट और इलॉजिकल ऑप्शन होते हैं, उसको आप लोग स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर सकते हो। ऑलवेज थिंक ऑफ द वल्नरेबल एंड डाउनट्रोडन पीपल व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड बिटवीन जहां पे आप एकदम दो चार ऑप्शन एकदम सिमिलर कनेक्टेड है, तो उस टाइम पे उनके बारे में सोचिए कि गांधी जी का भी तलिस्मान है और आप लोग जो है वो पक्का इसमें फ्लाइंग कलर के साथ में विनर बन के बाहर आओगे। यूजली साइंस क्वेश्चन जो होते हैं उसके मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन, हाँ मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, जहां पे भी आपसे पूछ लिया ना कि भैया ये आपका एरोसॉल है इसके क्या एप्लीकेशन है, तो यूजली उनके आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबाव होते हैं। बाकी एक ग्रेटर ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा यूपीएससी का हर बार ध्यान में रखिए जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को देख रहे हो। और एक टिप मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूजली मैंने एक चीज देखी हुई है, जब जब इन्होंने टाइम दिया हुआ है ओके, तो ऐसा हुआ है कि अगेन 60-70% टाइम वाले क्वेश्चंस या जहां पे डेट आपकी मेंशन की हुई है ऐसी एज इट इज, वो आपके हर बार जो है वो रॉन्ग होते हैं। अगर आपको डेट एग्जैक्ट पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपका 60-70 टाइम में आप लोग थोड़ा सा मे बी जब आप लोग कंफ्यूज हो दो ऑप्शन में तीन ऑप्शन में, तो उस टाइम पे आपको ये वाला अस्त्र जो है थोड़ा बहुत मे बी हेल्प कर दे। ओके, अब हम लोग आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका पॉलिटी से रिलेटेड है और सीधा पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों से भी रिलेटेड है, और उसमें आपसे पूछ रहा है कि इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द ओपोजिशन वॉज स्वतंत्र पार्टी, उसके बाद स्वतंत्र पार्टी, उसके बाद इन द लोकसभा अ लीडर ऑफ ओपोजिशन वॉज रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969, थर्ड पूछ रहा है आपसे इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर ऑफ अपोजिशन।
आप लोग पहले ऑप्शन को मे भी जानते होंगे नहीं जानते होंगे, सेकंड ऑप्शन को मे भी जानते होंगे नहीं जानते होंगे, बट गाइज अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, अबव एवरेज भी अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, आपको पता है कि 75 नहीं है, आपकी टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा इज 545 और उसके लिए आपको मिनिमम अगर कोई भी बिल वगैरह पास करना है या अगेन आपका सॉरी ओपोजिशन के मेंबर को भी अगर रिकॉग्नाइज करना है तो आपका ट्रेडिशन जो है वो क्या है, ट्रेडिशन है आपका एटलीस्ट उसका 10% जो है उससे ज्यादा जिसके पास में पार्टी के पास में जिसके पास में होंगे उसको जो है वो लोकसभा का हम लोग लीडर ऑफ ऑपोजिशन इलेक्ट करते हैं। मतलब कितना हो गया आपका 54.5 अप्रोक्सीमेटली 55 जिसके पास में मेंबर्स होंगे उसको अपॉइंट करेंगे। तो अगर आप तीन को एलिमिनेट करते हो आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा और वो है टू ओनली। इसका मतलब आपको अगर नहीं भी पता था कि स्वतंत्र पार्टी सच में ऑपोजिशन में थी या नहीं थी, वो बात अलग है कि यू नो ये हिस्ट्री में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए बिकॉज ये पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में आता है। और मैंने आपको जस्ट बोला था कि देखो प्रीलिम्स और मेंस कनेक्टेड है, मेंस में आपको पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़नी है, भले ही आपके प्रीलिम्स में पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल ऐसे आपका ये जो है वो कनेक्ट होता है। तो अगेन सिर्फ लॉजिक के बेसिस पे और एक स्टेटमेंट आप गलत निकाल दीजिए, आप लोग करेक्ट आंसर निकाल सकते हो। देखते ही डरना नहीं कि यार ये स्वतंत्र पार्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन का सच में हुआ था कि 1969 में। अब मैंने देखो आपको बोला कि यूजुअली डेट्स वाले क्वेश्चन जो गलत होते हैं, बट ये डेट्स वाले क्वेश्चन का एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें करेक्ट डेट जो है वो दी हुई है। तो हर एक जो रूल्स दिए हुए हैं उन सबके एक्सेप्शन भी होते ही हैं। बाकी याद रखना जो आपका फर्स्ट जो इलेक्शन हुआ था उसमें से कांग्रेस जो है उसको 364 सीटें मिली हुई थी और जो आपका फर्स्ट लोकसभा में जो सेकंड लार्जेस्ट जो पार्टी उभर के आई थी वो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, ओके, जिसके पास में 16 सीटें हुआ करती थी। तो ये थोड़ा सा अगली बार अगर यूपीएससी इसी लाइन पे थोड़ा सा घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों के लिए मैं उसका आंसर बता रहा हूं ताकि आप लोग अगली बार इसको गलत ना करें। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू आपका थोड़ा सा साइंस और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और हम लोग एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, दोनों में से साइंस एनवायरनमेंट दोनों में से ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस अकर इन द डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट द वाटर लॉस। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो आपको सबको पता है इसका राइट आंसर जो है वो डी ही आने वाला है। और इसमें आप लोग अगेन देख सकते हो इसमें सारी की सारी चीजें हैं, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स हैं क्या, तो अगर लीव्स हुई तो हार्ड एंड वैक्सी होंगी, एलोवेरा उसका बेस्ट एग्जांपल है। टाइनी लीव्स होंगे क्या, अगेन आप लोग अगर यू नो बेर के पेड़ वगैरह देखो उनके लीव्स जो है वो कितने छोटे छोटे होते हैं। एंड थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ द लीव्स, तो कुछ आपके कैक्टस जैसे जो प्लांट्स होते हैं तो उनमें स्टेम है और सीधा आपका लीव के जगह पे क्या है आपका सीधे की सीधे थॉर्न्स है। तो 1, 2, 3 आपका तीनों भी आंसर जो वो करेक्ट इसमें बनते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे और गाइज ये वाला क्वेश्चन अब एकदम आउट ऑफ द ब्लू यूपीएससी ने पूछा हुआ है क्योंकि एनएसएसओ का जो 70th जो राउंड हुआ था वो हुआ था 2013 में, ओके, तो 2013-14 का क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा हुआ है। तो देखो मैंने आपको बोला है कुछ तो आपके यूपीएससी ऑब्वियसली आपको बाउंसर डालने ही वाली है जिससे आप लोग जो है वो आउट हो जाओ या फिर आप लोग कुछ ना कुछ गलती कर बैठो, तो ये वैसे वैसे में से क्वेश्चन है और यहाँ पे बहुत सारे आपसे फैक्ट्स वगैरह पूछे हुए हैं तो कभी कभी आप लोग जो है इसमें गलती करोगे, ठीक है। अब लेकिन इसमें से भी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो अगर आप लॉजिक और कामनेस का अगर साथ नहीं छोड़ो, तो दोनों भी अगर नहीं छोड़ो तो सिंपल आपको किस चीज पे ध्यान देना था, तो एनएसएसओ में आपको इस चीज पे ध्यान देना था कि सच में 60% पीपल जो है वो हमारे ओबीसी हैं क्या। अरे भैया इतने होते तो अभी तक तो और डिमांड कितनी बढ़ गई होती रिजर्वेशन की, हमारे 60% पीपल जो है वो ओबीसी में नहीं आते हैं। इनफैक्ट जो आपका बीच में जो कमीशन वगैरह जो मंडल कमीशन वगैरह भी अपॉइंट हुए थे उन्होंने निकाला था कि हमारे पास में मैक्स टू मैक्स 54% जो है या 50% जो है वो ओबीसी हमारे पास में कैटेगरी है, तो सडनली थोड़ी इतने बढ़ जाएंगे। तो ये अगर लॉजिक पे आप काम करो तो आप लोग टू को एलिमिनेट जैसे ही करते हो आपके पास में एक ही ऑप्शन आता है वो है 1 and 3 ओनली, ठीक है। तो नो डाउट ये बाउंसर है बट बाउंसर को भी आप लोग खेल सकते हो अगर थोड़ा सा लॉजिक के साथ में खेलो तो। बाकी ये दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है उसके क्योंकि ये आपका 2013-14 में आपका एनएसएसओ का 70th राउंड हुआ था, सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड। तो इसमें क्या है, राजस्थान हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड अमंग इट्स रूरल हाउसहोल्ड, आंसर इज यस। उसके बाद में इन केरला लिटिल ओवर 60% ऑफ द एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड रिपोर्टेड दैट कि उनका यू नो दे हैव रिसीव्ड मैक्सिमम इनकम फ्रॉम सोर्स अदर देन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आपके ऐसे बनते हैं। तो ऐसे तो अगर
इसमें और एक अगर ये वाला चीज जो है वो अराउंड एक 45% वगैरह कुछ लिख दिया होता तो मे बी आप लोग जो है बहुत कंफ्यूज हो गए होते कि भैया अब इसमें क्या करे, 1, 2, 3 आंसर दे नहीं दे तो। लेकिन यूपीएससी में बोला आपको एक छोटा सा आपको हिंट देती है, क्योंकि देखो फाइनली जब क्या होने वाला है, आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद में आपके पास में सारे रिसोर्सेस थोड़ी होंगे, पैसे की कमी होगी आपके पास में, लोगों की कमी होने वाली है आपके पास में, ठीक है, उसके बाद में आपके यू नो गाड़ी घोड़ा जो कुछ है सबकी कमी होने वाली है, लेकिन आपको एडमिनिस्ट्रेशन तो चलाना है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है प्लस इतनी सारी इंफॉर्मेशन, आप जब एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे भी ध्यान देना है, वाटर सप्लाई पे भी ध्यान देना है, आपके नीचे सड़क का डिपार्टमेंट का ध्यान देना है, इंडस्ट्रीज का ध्यान देना है। अरे भैया जब इतनी सारी चीजों का ध्यान देना है तो आप थोड़ी ना एक एक चीज को डीप में पढ़ते बैठने वाले हो, आंसर इज नो, नहीं पढ़ सकते आप लोग। तो उस टाइम पे आपको क्या चाहिए, आपको लॉजिक चाहिए और कामनेस चाहिए, और आप लोग जो है वो एकदम छोटी सी चीज भी अगर आपको पता चली तो आप उसमें से मिस्टेक पॉइंट आउट करके उन लोगों को बताओ, क्योंकि देखो एडमिनिस्ट्रेशन को और खास करके जब आप ऐसे ऑफिसर वगैरह बन जाते हो इनके आजू बाजू में लोग इनको येड़ा बनाने के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं, कभी कोई यू नो सबऑर्डिनेट ऑफिसर ये बोल देगा, कभी वो बोल देगा, ये बोलेगा मेरे से ये नहीं हुआ इसमें ऐसा है, लेकिन अगर आपके पास में ये लॉजिक वाली क्षमता है तो आप लोग पक्का फिर उन लोगों को उनकी गलती जो है वो ठीक से पकड़ पाओगे। इसलिए यूपीएससी जो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस डालती है, और आपको लगता है कि ये नॉलेज का टेस्ट है, नॉलेज का नहीं, ये पर्सनालिटी का भी टेस्ट होता है, यहीं पे आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है कि कम रिसोर्सेस में भी आप लोग कैसे जो है वो अपने यू नो काम एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। तो ये आप लोग दिमाग में हर बार रखिए और ध्यान दीजिए, किसी भी चीज को देख के पैनिक मत हो जाइए, उससे डरो मत और आंसर अपने निकालने की कोशिश करो। बट इसी में एक और चीज आपको बता देना चाहता हूं, मैंने यहाँ पे आई थिंक 22nd लेक्चर एक लिया हुआ है, तो करंट अफेयर्स का मेरा लेक्चर है 22nd, जिसमें मैंने एक्चुअली MOSPI ओके तो अब उसका रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह पे मैंने बताया हुआ है कि NSSO कैसे चेंज हुआ है, तो ये करंट अफेयर्स की न्यूज है जिसपे मे बी इस साल में कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं जस्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे आपके लिए फ्री वीडियोस जो है वो बनाए हुए हैं, तो आप लोग वो देख सकते हो बिंदास मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये ऑलरेडी मैंने 2 डाले हुए हैं, उसके अलावा मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स के मल्टीपल जैसे बैंकिंग के इश्यूज हो गए, NBFCs के इश्यूज हो गए, अगर आपके नहीं क्लियर हुए हैं, नहीं कवर हुए हैं, आपको अच्छे से किसी ने नहीं सिखाया, ये 3 वीडियोज आपके बने हुए हैं। उसके अलावा आपका 22nd लेक्चर जो है जिसमें मैंने यू नो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन और उसमें NSSO का जो रिफॉर्म वगैरह हुआ है वो सब मैंने यहाँ पे सिखाया हुआ है। इसके स्लाइड्स आपको चाहिए आप आई अरविंदा चैनल पर जा सकते हो और वहां पे आपको इसके सारे के सारे स्लाइड जो मिल जाएंगे। तो गाइज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है वो इस चैनल के जितने वीडियोज हो सकते हैं मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूँ कि, और देखो एक चीज मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि चाहे मुझे उस लेक्चर का पैसा मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, जब मैं अपने YouTube चैनल पे कोई भी लेक्चर डाल रहा हूँ मुझे उसका कोई पैसा नहीं मिल रहा है, बट जब भी यू नो अगर मैं कोई फ्री के भी लेक्चर ले रहा हूँ बट मैं कभी भी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड नहीं होने देता हूँ, मैं उसी क्वालिटी का आपको सिखाता हूँ। इनफैक्ट अगर हुआ पॉसिबल तो इवन जो मैं पेड लेक्चर सिखाता हूँ उससे भी बेटर क्वालिटी लाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग पक्का से ये सारे लेक्चर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, और मेरा बस यही एम है कि मैं जितने लोगों की हेल्प करवा सकूं यूपीएससी प्रीलिम्स में जो सिंसियर कैंडिडेट है बट उनको राइट गाइडेंस नहीं मिल पाता है इसलिए उन लोग नहीं क्लियर कर पाते, तो मैं ये उसकी कोशिश करता हूं। तो आप लोग प्लीज अगर आपका यू नो ये वाली चीज मैंने ऑलरेडी सिखाई हुई है उनको, तो आप लोग जो है वो इस 22nd लेक्चर में जाके इसके बारे में देख सकते हो, मे बी इस पे वापस से कोई क्वेश्चन आ जाए। ओके तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास में, और इसमें आपसे पूछा है कि NGT और आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसके बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या है। तो गाइज इसमें आपका बोला है कि NGT जो है वो एक स्टैचुटरी बॉडी है, मतलब एक्ट के हिसाब से बनी हुई है, लेकिन CPCB ऐसी बॉडी नहीं है, रादर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनी हुई है। तो गाइज यही वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि CPCB आपकी बॉडी, अगेन आप अगर शंकर आयस ठीक से पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा CPCB जो है वो आपके वाटर एक्ट जो है 1974 का उसके अंडर बनी है। एक और चीज याद रखना, समझो यूपीएससी ने कभी आगे से पूछ लिया कि ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आपका 1986 उसके अंडर में काम करता है क्या, अगेन आंसर इज नो, क्योंकि आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, और इसी के अलावा इवन आपके जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी जो प्रोविजंस है वो सब आपके वाटर एक्ट में मेंशन की हुई है, क्योंकि नाम ही देखो इसका क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन, तो वाटर एक्ट 1974। तो चाहे वो एयर पोल्यूशन हो तो उसके लिए भी आपकी CPCB रिस्पॉन्सिबल है, या अगेन आपका वाटर पोल्यूशन हो, भले ही वाटर एक्ट में बनाए फिर भी एयर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने के लिए CPCB आती ही है, तो इसको दिमाग में अच्छे से बनाए रखिएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होता है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है।
है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो एक्चुअली एनवायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड करता है. एंड सीपीसीबी प्रमोट्स क्लीनलीनेस ऑफ द स्ट्रीम्स एंड वेल्स एंड एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री. ओके, तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर बनता है आपका बी. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछ रहा है आपसे, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यस भैया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. आपके पास में अब दो ऑप्शंस बन जाते हैं, या तो ए या फिर सी. The validity of law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. अरे तो फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट बनाया किस लिए हमने, फिर जुडिशरी आपकी एग्जिस्ट क्यों करती है. सिंपल सा है, तो इसके लिए आप लोग 2 को उड़ाओगे जैसे ही, तो आपका 2 का उड़ाते ही आपके पास में एक ही आंसर बचता है, वो है इसका करेक्ट आंसर 1 ओनली. ओके, तो 1 ओनली इसका करेक्ट आंसर है. और अब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे कभी कभी आपका मेंस और प्रीलिम्स जो है वो कनेक्टेड होता है. तो एक मेंस में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कौन सी मेंस, बस उसमें आपको बोला हुआ था कि IR कोहेलो केस जो है उसको आप लोग एक्सप्लेन कीजिए. और ये IR कोहेलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला हुआ है, अगेन ये आपके लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 27 जुडिशियल रिव्यू में अच्छे से दिया हुआ है, कि द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट देयर कुड नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल. ओके, तो 9th शेड्यूल में हम लोगों, मैंने कल भी देखा था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था जवाहरलाल नेहरू ने. ओके, लेकिन फिर इसको इन लोग मिसयूज करने लग गए थे, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स में बताया, और खास करके IR कोहेलो जो आपकी 2007 की जजमेंट है उस पे. तो यूपीएससी ने मेंस में इस जजमेंट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंड नो डाउट आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है. और ये जजमेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग मे बी 2016 या 2017 में ही मेंस में आपसे पूछी हुई है, और आप देखो वापस 2018 में आपसे इस जजमेंट के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है. और इसीलिए आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के भी जितने हो सके उतने क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. ओके, सो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी, मर्चेंट डिस्काउंट रेट. अगर आप लोग थोड़े से सजग नागरिक हो, आप जाते हो, आपको पता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज कर रहे हो या अगर आप लोग डेबिट कार्ड यूज कर रहे हो, तो आप लोगों को पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो होती है, जिसको हम लोग स्वाइप मशीन बोलते हैं, वो स्वाइप मशीन को पॉइंट ऑफ सेल मशीन बोलते हैं, उस पे अगर आप स्वाइप करते हो तो आपका एक्स्ट्रा पैसे जो है वो लगते थे. तो बेसिकली इसी चीज के रिगार्ड में आपके मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है वो न्यूज में थे, और इसका करेक्ट आंसर आपका बनता है सी. तो द चार्ज टू अ मर्चेंट बाय द बैंक फॉर एक्सेप्टिंग द पेमेंट्स फ्रॉम हिज कस्टमर थ्रू बैंक्स डेबिट कार्ड. तो बैंक इसको चार्ज करता है आपका. ओके, तो मर्चेंट को ये चार्ज करता है, इसलिए उसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट. तो समझो 100 रुपए जो मर्चेंट को मिले हैं, तो उसमें से मर्चेंट का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, मे बी अगर क्रेडिट कार्ड यूज किया तो 2%, मतलब मर्चेंट को सिर्फ 98 रुपीज मिलेंगे और 2 रुपए जो है वो आपके बैंक को जाने वाले हैं. तो डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए एक्चुअली ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट को एलिमिनेट करने की बात जो है वो हो रही थी. तो उस टाइम पे फिर बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही थी. बैंक्स वगैरह बोल रहे थे कि ठीक है फिर हम बिजनेस ही बंद कर देते हैं, अगर हम लोग कमाएंगे ही नहीं, आप हमारे सारे एवेन्यूज अगर बंद करना चाहते हो तो हम बंद ही कर देते हैं. तो उस टाइम पे ये थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी चली रही थी 2017-18 में. तो फाइनली फिर, और 2018 के बजट में भी ये काफी बड़े तरीके से अनाउंस किया गया था. सो इसके लिए फिर ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है वो आपको पता भी होनी चाहिए थी, और इंडियन एक्सप्रेस ने इसको एकदम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी किया हुआ था. इसलिए मैं बोलता हूँ इंडियन एक्सप्रेस का हो सके तो एक्सप्लेन पेज पढ़िए, बहुत ही आपको इन्फॉर्मेशन हर बार मिलेगी. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. क्वेश्चन नंबर 7 है आपका न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप. तो अगेन जो भी सीरियस एस्पिरेंट होगा उसने ये सब पढ़े ही होंगे न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में. बट अगर आप थोड़ा बहुत मिस भी हो गया तो भी आप लोग देखिए, अब लॉजिक लगाइए यहाँ पे. It will have access to the latest and most efficient nuclear technologies. तो मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने इनफैक्ट इसके लिए स्पेशल लेक्चर्स भी लिए हुए हैं, मैं आपको बताऊंगा. It automatically becomes a member of the NPT. तो भैया नहीं है, हम तो NPT को वैसे ही विरोध करते हैं. तो आंसर क्या होगा आपका, सेकंड आपका गलत हो गया, फर्स्ट आपका करेक्ट हो गया. आंसर आपका बनेगा 1 ओनली. और गाइज अगर आपको ये डिटेल में सीखना है तो मैंने कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे, अन अकेडमी पे लेक्चर्स लिए हुए हैं. अगेन वो सबके लिए फ्री है,
तो उनको अनअकैडमी में दो टाइप के लेक्चर्स होते हैं, एक होते हैं प्लस लेसन्स और दूसरे होते हैं स्पेशल क्लास। तो स्पेशल क्लास का मीनिंग होता है फ्री लेक्चर्स, तो उसमें द वेरी फर्स्ट स्पेशल क्लास ऑफ माइंड वॉज विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी ग्रुप एंड वासेनार अरेंजमेंट। तो इसमें मैंने ऑलरेडी सब कुछ सिखाया हुआ है, तो आप लोग अगर चाहो तो वहां पे देख सकते हो। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में उस टाइम पे इक्वलाइजेशन टैक्स जो है काफी चर्चा में चल रहा था, खास करके 2016 से ये चल रहा था, ऑफ 6% ऑन द ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय द नॉन रेसिडेंट एंटिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो उस टाइम पे गूगल जो है या फिर आपका फेसबुक वगैरह जो है, ये ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू इन लोग कमा रहे हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा सा एक इक्वलाइजेशन टैक्स वगैरह लगाने की गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही थी। तो इसमें से आपका पूछा है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स, आंसर इज नो, इनकम टैक्स नहीं था ये, अगेन आपका क्या था, बिकॉज आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको पैसे लगाए जा रहे हैं, एंड नॉन रेजिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर द एडवर्टाइजमेंट कैन क्लेम द टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं होगी। तो नो डाउट थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट अगर आप थोड़े से सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको ये दोनों भी पता होंगे कि ये दोनों जो है वो गलत है करके। ओके, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड है और इस पे कोई भी ना ही उनके यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह उन लोग ले सकते हैं, और ये पर्सनल इनकम टैक्स का पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है आपका एफआरबीएम रिव्यू कमेटी। तो गाइज उसी पीरियड में एक एफआरबीएम रिव्यू कमेटी जो है वो एनके सिंह पैनल, मतलब एनके सिंह के अध्यक्षता में बनी हुई थी, वही एनके सिंह जो अभी फाइनेंस कमीशन जो है फाइनेंस कमीशन 15th के रिपोर्ट एक्चुअली पब्लिश करके देने वाले हैं। तो उन्होंने ही एफआरबीएम एक्ट जो है उसका रिव्यू किया हुआ था, और वो रिव्यू रिपोर्ट आपकी January 23, 2017 में आई है। देखो 2017 में भी फर्स्ट जनवरी की, मतलब ऑलमोस्ट जनवरी की न्यूज है ये, तो इसलिए मेरा जो हर बार का बोलना है कि 2 साल के करंट अफेयर्स आप लोग कवर कीजिए। ओके, तो 2 साल की क्यों करना है, बिकॉज आप अगर जून से जून करोगे तो ये तो आपका मिस हो गया, और मिस होने के बाद में फिर आपका क्या होगा, तो इसलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था, और उसमें आपसे पूछा था कि रिव्यू कमेटी जो है उसने रिपोर्ट दिया है कि हो सके तो अब डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 60% लेके आओ, और उसमें से उसमें से उसमें से 40% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होगा एंड 20% आपका स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होगा। आंसर वाज यस, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट था, बिकॉज एक्चुअली इसने बोला था कि 60% से ज्यादा आपका जीडीपी जो है, जीडीपी के इससे ज्यादा आपका डेब्ट जो है वो नहीं होना चाहिए, और 40% जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है वो है, और 20% स्टेट गवर्नमेंट लिया है। तो भैया जब अब आपका, और ये बाय 2023 आपको इंश्योर करना है, तो इन्होंने बोला कि अगर यहाँ पे 40, अब देखो हाँ, मतलब देखो यहाँ पे लॉजिक कितना काम में आता है, लॉजिक कितना काम में आता है। पहला स्टेटमेंट आपका क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट आपका बोल रहा है कि 60 है तो 60 में से 40 सेंटर पे रखिएगा, और स्टेट पर जो है वो आप लोग 20 रखिएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका बोल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट आपका बोल रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लायबिलिटी ऑफ 21% ऑफ द जीडीपी, मतलब ये बोल रहा है कि अभी एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसमें सिर्फ 21% लायबिलिटी है, तो 21% से लायबिलिटी बढ़ा के आप लोग 2023 तक 40% कर दो, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका liability अभी 21% है और आप 2023 में आप liability अपनी 40% बढ़ा दो, और स्टेट्स को बोल रहे हो कि नहीं तुम्हारी 49% है और उसको तुम 20% पे लेके आओ। अरे भैया जो तुम्हारा ज्यादा होगा उसको आप कम करने की कोशिश करोगे ना, तो एग्जैक्टली उल्टी बात कर रहा है पूरी की पूरी। ठीक है, इनफैक्ट स्टेट्स के ऊपर आई थिंक कुछ 23.5% वगैरह था, और यूनियन के पास में ऐसा ही कुछ 49% वगैरह था। तो यहाँ पे एक अगर सही है तो दो गलत है, दो अगर सही है तो एक गलत है, तो आप लोग एटलीस्ट ऐसे वाले ऑप्शन जहां पे एक और दो दोनों भी साथ में आ रहे हैं उनको तो आप लोग पक्का से उड़ा ही सकते हो, जो कि है आपका 1, 2, 3। अब अगर आपको अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो आपको समझ में आएगा कि यूजुअली आप ऐसा काम जो है वो नहीं करोगे, और सेंटर जो है वो ज्यादा डेप्ट वगैरह इशू करते रहता है, आइए बॉन्ड दे दिया, वो बॉन्ड दे दिया। इवन आज के न्यूज में था कि भाई 7.75% जो आपका इंटरेस्ट दे रहा था वो वाला बॉन्ड अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, आज की ही न्यूज है अगर आपने आज का हिंदू को पढ़ा हो तो आपको समझ में आएगा कि सेंटर के ऊपर जो है वो ज्यादा डेप्ट होगा। इसलिए आप लोग इतना तो एस्टैब्लिश कर सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो राइट होगी। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि या तो आपका ऑप्शन ए है या फिर आपका सी है। अब इसमें से एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंसेंट
for raising any loan if the farmer owes any outstanding liabilities. Obviously, वरना क्या होगा, आज की गवर्नमेंट गई, दूसरी गवर्नमेंट आएगी और वो गवर्नमेंट के ऊपर पूरा पूरा डेप्ट रहेगा. तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और इसके लिए आपका आंसर जो है वो सी है. इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन एंड लक्ष्मीकांत को अगर डिटेल में पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा आर्टिकल नंबर 293(1) और 293(3) में ये वाली प्रोविजन जो है दी हुई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना ही होगा अगर डेप्ट जो है वो उनके ऊपर है तो. ओके, सो इसके लिए करेक्ट आंसर इसका बनता है सी. और इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि जितना ज्यादा हो सके रिवाइज कीजिए. रिवाइज रिवाइज रिवाइज, दिस इज द ओनली थिंग विच यू नीड. आप पूछो कि भैया सक्सेस मंत्र क्या है, वो रिविजन है. सक्सेस मंत्र रिविजन है, बट रिविजन कर ही नहीं पाता है ना कोई. आप में से अगेन 100 में से हार्डली 10 लोग जो है वो रिविजन कर पाने वाले. तो आप प्लीज उस 10 लोगों में से रहिए, यही मेरी बस आपसे गुजारिश है. अब हम लोग देखते हैं 10th क्वेश्चन. तो 10th क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका, 10th क्वेश्चन है आपका, द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5 years. फिर द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल एज अ स्पेशल केस. ऑल आ रहा है, डज नॉट इम्पोज इलॉजिकल है. ओके, एक ये इलॉजिकल है, दूसरा ये एक्सट्रीम है. टू को तो आप पटका उड़ा ही देने वाले हो. ओके, तो टू करेक्ट है, इसको तो आपने उड़ा ही दिया. अब आप लोग बचे हो 50-50 ऑप्शन में, या तो ए है या फिर डी है. तो देखो गाइज, ये मेरा भी गलत हुआ था, मैं नहीं बोलता हूं कि मेरा करेक्ट हुआ था, क्योंकि मैंने यहाँ पे सोचा कि द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल जो है वो मोर कैसे होगी. मे बी मैंने सोचा कि जैसे हमारे पास में दालें ज्यादा हैं तो इतना ज्यादा हम ऑयल थोड़ी इंपोर्ट कर रहे होंगे. बट यूपीएससी आपको ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है और ये सारे के सारे ट्रेंड का ट्रैक रख पाना बहुत मुश्किल होता है. तो मेरा भी गलत हुआ, मैंने इनफैक्ट यहाँ पे डी लगा दिया था इसका आंसर. बट मैं 50-50 में कंफ्यूज था, क्या आंसर इज यस. और कभी कभी 50-50 मैंने आपको बोला है, कभी आपके सही हो जाएंगे, कभी आपके गलत हो जाएंगे. बट डरना नहीं है, क्योंकि 50-50 में अगर समझो 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 5 आपके सही होते हैं और 6 आपके गलत होते हैं, मतलब ज्यादा आपके गलत हुए हैं, फिर भी आप लोग नेट जो है वो एक्स्ट्रा 6 मार्क्स का स्कोर जो है वो लेके जाओगे. तो यही फायदा होता है 50-50 को अटेम्प्ट करने का. तो इसलिए 50-50 को तो किसी हालत में नहीं छोड़ना है. मैंने अटेम्प्ट किया, मेरा गलत हुआ, बट कोई बात नहीं, बाकी जगह पे मैंने करेक्ट कर लिया होगा उसको. तो इसलिए 50-50 को पक्का से अटेम्प्ट कीजिए. ओके, तो अब इसमें अलग अलग रिपोर्ट्स वगैरह आ रहे थे और उसमें ऐसा है कि हम लोग 60% हमारी रिक्वायरमेंट का इंपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल. ये मुझे भी नहीं पता था और मेरे लिए कहीं ना कहीं एक नई जानकारी ऐड हुई थी उस टाइम पे. अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 देखो, तो तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है. मैंने आपको बोला है तमिलनाडु बोर्ड की 11th एंड 12th हो सके तो इनको पढ़िएगा. ये आपके एंशियंट एंड मेडिवल के लिए काम आएगी और ये मॉडर्न के लिए काम आएगी. बहुत ही ब्यूटीफुल बुक्स है, बहुत फटाफट खत्म होती है, इनको तो छोड़ना ही नहीं. माजिनी गैरिबाल्डी शिवाजी एंड श्री कृष्ण स्टेड. ओके, उसने बायोग्राफी लिखी थी. स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम एंड ही वॉज ऑल्सो इलेक्टेड एज अ सेंट्रल असेंबली मेंबर. तो देखो एक चीज याद रखो, अरविंदो घोष आपके बंगाल के थे, विपिन चंद्रपाल आपके बंगाल के थे, वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्यों जाएंगे. और अरविंदो घोष यूएस नहीं थे, मेजरली उनकी जो पढ़ाई वगैरह हुई थी वो सारी की सारी जर्मनी वगैरह में, वो जर्मन फिलोसॉफी से इन्फ्लुएंस थे. तो थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज यहाँ पे मुझे हेल्प किया. बट एनीवेज, थोड़ा लॉजिक लगाओ तो आपको पता होगा. अब आप थोड़ा मे बी कंफ्यूज हो कि लाला लाजपत राय या फिर मोतीलाल नेहरू, बिकॉज मोतीलाल नेहरू लॉयर थे और बड़े बड़े यू नो कहां कहां से सीखे होंगे पता नहीं. तो इसमें मे बी अगर कंफ्यूज भी रहे तो भी अगर आप लोग अगर तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 12 की अगर अच्छे से हिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है, उसमें देखो कितना अच्छे से लिखा हुआ है. लाला लाजपत राय का डिस्क्रिप्शन दिया है, तिलक का डिस्क्रिप्शन दिया है, बिपिन चंद्र पाल का डिस्क्रिप्शन दिया है. यहाँ पे बोला हुआ है, लाला लाजपत राय इज पॉपुलरली नोन एज द लायन ऑफ द पंजाब. ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्वदेशी मूवमेंट. ही फाउंडेड इंडियन होम रूल लीग इन यूएस इन 1916. ओके, तो यूएस वाले कौन है फिर? यूएस वाले हमारे एक ही भैया है, वो है लाला लाजपत राय. तो इवन अगर समझो ये मैं भूल भी गया होता, मुझे पता था मैंने तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी हुई थी इसलिए मुझे पता था कि यूएस का लाला लाजपत राय ही होंगे. बट अगर मैं भूल भी गया होता तो भी मैं बोलता कि यार ये तो गया लॉजिक से, ये भी गया लॉजिक से. मोतीलाल नेहरू जो है वो भी चले जाएंगे, बिकॉज मैंने सोचा यार गए तो भी उन्होंने अपने बेटे को लंदन वगैरह भेजा हुआ था, वो क्यों यूएस में आपके जाएंगे. ओके, तो मैंने छोड़ दिया उनको फिर. तो सी ही लगाया होता ऐसे भी और सी ही लगाया मैंने ऐसे भी. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. क्वेश्चन नंबर 12 अगेन मैंने आपको बोला डे टू डे लाइफ पे. ओके, डे टू डे लाइफ पे कितने ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 पे पूछे हुए हैं. आप आधार कार्ड सब लोग अपने पॉकेट में लेके घूमते हो और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आधार इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नॉट ऑफ द सिटीजनशिप.
ठीक है। आधार कार्ड कैन बी यूज एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल, पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। उसके बाद में वंस इश्यूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड, तो उसके लिए आप लोगों को अगर यू नो न्यूज़पेपर एटलीस्ट 10 से 20 मिनट पढ़ना चाहिए, और उसमें एक न्यूज थी अराउंड 81 लाख आधार डीएक्टिवेटेड टिल डेट, ऐसा गवर्नमेंट ने जो है वो रिप्लाई आपका दिया हुआ था। ओके तो अलग अलग क्वेश्चंस इनसे पूछते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो अगस्त 11 2017 की न्यूज है, जिसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी उन्होंने इस पे रिप्लाई दिया हुआ था। मे बी किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा तो उस कंटेक्स्ट में जो है, और आधार एक्ट जो है वो आपका 2016 में बना हुआ था, तो उस कंटेक्स्ट में इनसे क्वेश्चन पूछा और इसी कंटेक्स्ट पे क्वेश्चन जो है बनाया गया, और इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका डी बनता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, Which of the following has shrunk immensely and dried up in the recent past due to human activities? Guys, इसमें extreme word आपका already question में ही use कर लिया गया है कि immensely कौन सी ऐसी आपकी you know lake है या कौन सा sea है जो एकदम dry up हो चुका है। Okay, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए एरल लेक, ब्लैक सी लेक, बाइकल वगैरह, ये सब मैंने मतलब कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ोगे ही, और आप इस सीरियस एस्पिरेंट हो गए इनकी लोकेशन जो है वो एटलस में आप लोग लोकेट करने की कोशिश करोगे ही, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी कि इसका आंसर जो है वो 1 और 3 आना चाहिए, बिकॉज नो डाउट एरल सी तो आपका यू नो हुआ ही है, सूखा ही है, लेकिन लेक बाइकल भी सूखी हुई, तो ब्लैक सी तो एलिमिनेट कर दिया था लोगों ने बहुत सारे, तो फिर भी लोग कंफ्यूज थे या तो ए या फिर डी में, और बहुत सारे लोगों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी कि नहीं ये दोनों भी इसका आंसर होने चाहिए। मैंने इसका आंसर समहाउ ए लगाया हुआ था, और यूपीएससी ने भी जो फाइनल आंसर दिया हुआ है वो है आपका ए। ओके मतलब सिर्फ एरल सी ही आपका श्रंक हुआ है। आप पूछो सोर्स क्या है, सोर्स है इसका द हिंदू। द हिंदू में जब ऐसी छोटी मोटी बातें आती रही थी लाइफ वाइफ में, तो उसमें लिखा था वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक इज इन पेरिल, और ये डीपेस्ट लेक कौन सी है, इट इज लेक बाइकल। ओके तो उसमें अलग अलग यू नो इश्यूज वगैरह आ रहे हैं, सूख रही है वगैरह वगैरह, तो ये सब इसमें इन लोगों ने इस आर्टिकल में कवर किया हुआ था। ओके सॉरी ये मैं गलत लेके आया हुआ हूँ एक्चुअली इसमें, आई एम सो सॉरी ये वाली थोड़ी सी गलत मैं लेके आया हूँ। इसमें आपके दूसरे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसमें आपके यू नो वो स्पायरो वगैरह ये अल्गीज वगैरह आ रहे हैं, वो वाले आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये स्लाइड में डिलीट करके आपको यू नो भेज दूंगा, तो प्लीज इसको थोड़ा सा माफ कर दीजिए यहाँ पे। इसलिए फिर यू नो बहुत सारे लोगों ने ऐसे आंसर दिया था कि 1 और 3 आना चाहिए, बट फाइनल यूपीएससी ने आंसर जो है वो सिर्फ एरल सी कर दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका एरल सी बनेगा। आई डोंट नो मैंने ये ऐसा क्यों ढूंढा, तो लेक बाइकल, बट इससे चलो इसी बहाने आपका एक चीज तो समझ में आ जाएगा आपको कि वर्ल्ड से डीपेस्ट लेक कौन सी है, वो है आपकी लेक बाइकल, ठीक है। तो आई सपोज इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 14 पे, और क्वेश्चन नंबर 14 आपका अगेन यूपीएससी का ट्रेंड है, हर बार रूल यू नो या तो किसी एक इंडेक्स पे वगैरह क्वेश्चन पूछेंगे या फिर किसी एक रिपोर्ट पे वगैरह क्वेश्चन पूछेंगे। वैसे इन्होंने रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पे पूछा है, तो मैंने बोला देखो भैया रूल ऑफ इंडेक्स जो है मोस्ट प्रोबेबली, मुझे भी एकदम क्लियर आइडिया नहीं थी, बट मैंने वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट लगा दिया, तो ये देखो ये मेरे डी कैटेगरी में फॉल होता है, ठीक है। कि ह्यूमन राइट इंडेक्स, ह्यूमन राइट का कमीशन है वो करेगा क्या, मैं बोला मे बी हो सकता है रूल ऑफ लॉ, क्योंकि रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट दोनों रिलेटेड है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मे बी, बट मैं बोला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास में काम नहीं है क्या, उसके पास में ऑलरेडी इतने सारे पिटिशंस पड़े, तो इसको थोड़ा मैंने इसलिए एलिमिनेट किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल मैं बोला यस, क्योंकि ह्यूमन राइट्स में ये भी काम कर रहा है आपका, बट मैं बोला ह्यूमन राइट नहीं रहेगा, थोड़ा वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट वगैरह में भी हो सकता है, तो ऐसे मेरे अपने गट फीलिंग पे गया और इसका आंसर जो है करेक्ट भी आया, और एक्चुअली वर्ल्ड जस्टिस जो है तो वो आपका रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है वो आपका पब्लिश करते रहता है। अब आते हैं हम लोग ATMs को, ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द ATMs इन इंडिया, इसका आपको आंसर मतलब ये सीधा अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे यू नो इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हो, इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हो, इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हो, आपको सिंपल पता होना चाहिए NPCI जो है वो आपका कनेक्ट करता है। और गाइज अगर आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने जैसा कि आपको बताया लेक्चर नंबर 23, 24 एंड 25 ये तीन लेक्चर्स में मैंने एक्चुअली बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है बैंकिंग के और नॉन बैंकिंग के इशूज। ओके तो आप लोग वहां से कवर कीजिए, उसकी वन ऑफ द स्लाइड मैंने आपके सामने रखी हुई है और इसमें देख लो मैंने एकदम अच्छे से बताया कि इसका काम जो है वो क्या क्या है, NPCI के काम क्या क्या है, और वन ऑफ द मेजर काम जो है उनका वो है ATM का नेटवर्क जो है वो बनाए रखना।
ओके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। तो अगेन आपको अगर इसके बारे में कंफ्यूजन है आप लोग मेरा 23, 24, 25th लेक्चर देख सकते हो करंट अफेयर्स के, जो अगेन फ्री टू ऑल है, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है? इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू you know, maintain in the form of their own funds to offset any loss that banks incur if account holder fail to repay the dues or CAR is decided by each individual bank. आपका second statement तो पक्का wrong है और सिर्फ first statement आपका correct है because यही CAR की exact definition है। आपको बहुत अच्छे से सीखना है, आप मेरे lectures देखिए, आपको वहाँ पे समझ जाएगा। इस lecture में हम लोग फिर next question पे जाते हैं और question है आपका question number 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड्स ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब एपीआई होते हैं ये आपके यू नो कंप्यूटर साइंस में यूज किए जाते हैं कि किसी भी चीज को आपको इंटीग्रेट करना है। जैसे आपने देखा होगा अलग अलग यू नो प्लेटफॉर्म पे पेमेंट के एपीआई जो है वो इंटीग्रेटेड होते हैं। आपने इंस्टा मोजो वगैरह देखा होगा, तो वो क्या है, उसका एपीआई देता है जिससे आप लोग यू नो मेरे साइट पर अगर मुझे कोई चीज परचेस करनी है, सेल करनी है, तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, तो उसको हम लोग एपीआई बोलते हैं। तो ऐसा ही आधार का भी आपका एपीआई जो है वो बनता है। ओके बट व्हाट डज इट इंप्लाई, विल इट वर्क ऑन एनी डिवाइस? तो अब यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि यार आपके आधार के एपीआई जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे कैसे चल जाएंगे, क्योंकि आपके वेरिएबल डिवाइस है वहां पे थोड़ी चल जाएंगे, या अगेन यू नो मेरे हाथ में ये वाला पेन टैब है इसमें थोड़ी चल जाएंगे। तो इसके लिए लोगों ने यहाँ पे बहुत एकदम ओवर थिंकिंग करके इसको रॉन्ग कर दिया। ओके इसको बोला कि ये तो गलत होगा। एंड ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग द आईरिस इज पॉसिबल, तो वो बोले कि अगेन आईरिस में कैसे यूज हो जाएगा ये, सिर्फ यू नो अगर मैं कोई वॉच वगैरह यूज कर रहा हूँ तो उसमें एपीआई से कैसे हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ओवर थिंकिंग करके इसको गलत किया। मैंने आपको बोला है जब भी एपीआई और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से चीज आती है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपका दोनों आंसर्स या ऑल ऑफ द अबव उसका आंसर यूजुअली होता है। एंड एक्चुअली इसका आंसर सी ही यूपीएससी ने दिया भी है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं इसका आंसर सिर्फ टू ओनली होना चाहिए, कुछ लोगों ने बोला नहीं डी होना चाहिए, बट इस सब में घुसना ही नहीं है। फाइनल जो यूपीएससी बोलेगी वही आपके लिए यू नो पत्थर की लकीर है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि यूपीएससी ने कैसे पूछा। ये एक आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और इस टाइम्स ऑफ इंडिया में आपके नंदन नीलेकणी जिन्होंने एक्चुअली इस आइडिया को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था उसमें लिखा हुआ था और उनके एक ब्लॉग में लिखा हुआ ये, और उन्होंने बोला कि आपका आधार जो है आधार प्रोवाइड्स ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और एपीआई विच कैन बी इंटीग्रेटेड इजिली इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दीज एपीआई इनेबल ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग द फिंगरप्रिंट और आईरिस। तो इसके लिए यूपीएससी ने इसका करेक्ट आंसर जो है वो दोनों भी करेक्ट स्टेटमेंट है ऐसा दिया हुआ है। अब आप लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू मत कर देना। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि ये देखो ये आपके गलत हो रहे हैं ना सबके गलत होने वाले हैं, तो इनके पीछे भागना मत शुरू कीजिए, क्योंकि आपको सपना नहीं आने वाला है कि भैया ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ रहे हो, आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहे हो, आप लाइव मिंट भी पढ़ रहे हो, ऐसे करोगे तो सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़ते रह जाओगे। तो आपको थोड़ी ना खबरी बनना है, आपको क्या करना है, आपको यूपीएससी क्रैक करनी है, आपके बेसिक भी पढ़ने हैं, आपको करंट भी करना है, दोनों को जितना लिंक कर सको उतना लिंक कीजिए, बाकी फिर जो नहीं आए उसको लॉजिक से आप सब सॉल्व कीजिएगा। ठीक है अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, और क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोल रहा है कि वेरी रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लैक्स ऑफ द पीपल ईदर सफर्ड फ्रॉम द सीवियर फमाइन और माल न्यूट्रिशन और डाइट ड्यू टू द स्टार्वेशन। अब थोड़ा सा भी अगर इंटरनेशनल यू नो इंटरनेशनल इवेंट्स वाला अगर आप लोग यू नो चाहे हिंदू हो चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस हो उसको अगर आप पढ़ते हो आपको पता होगा कि येमेन एंड सूडान जो है उसका राइट आंसर है, बिकॉज आपको पता है येमेन में कितना बड़ा क्राइसिस चल रहा है अभी। उसके बाद में वेनेजुएला एंड कोलंबिया में थोड़े से यू नो हाइपर इन्फ्लेशन वगैरह के प्रॉब्लम चल रहा है। मोरक्को एंड टूनिशिया में आपका वो जैस्मिन रिवोल्यूशन जो हुआ था उसके प्रॉब्लम्स है। तो अगर आप कंफ्यूज हुए भी तो एंगोला एंड जाम्बिया में होंगे और येमेन एंड साउथ सूडान में होंगे। बट जब आपको पता है कि उस टाइम पे एक्चुअली येमेन का बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा था कि यू नो एक तरफ से आपके हुती रेबल्स जिनको यू नो ईरान सपोर्ट कर रहा है, दूसरे तरफ से आपके यूएई जो है वो सॉरी आपका सऊदी अरेबिया दूसरों को सपोर्ट कर रहा है, और पूरा एक्चुअली बहुत बड़ा माल न्यूट्रिशन का सिचुएशन जो वो क्रिएट किया हुआ था। तो इसके लिए करेक्ट आंसर इसका डी था। और बाकी इसके अगर आप न्यूज देखो तो वो यूएन ने वगैरह इंडियन एक्सप्रेस के यू नो न्यूज बताई हुई, तो ये थोड़ी सी एक्चुअली ऐसा लग रहा है। हाँ ये न्यूज में एक्चुअली इन्होंने क्लियर किया हुआ था कि यूएन एड ग्रुप वॉन्स की स्टार्वेशन और के वजह से बहुत सारे लोग जो है मर रहे हैं। तो थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस पे ध्यान दो, वर्ल्ड वाला पेज जो है उसको अच्छे से पढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 19 अब उस पे आते हैं हम लोग वुड्स डिस्पैच पे।
गाइज आपका स्पेक्ट्रम भगवान है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो। स्पेक्ट्रम में सारी की सारी चीजें दी हुई है, उसमें एक्चुअली बहुत अच्छे से दिया हुआ था कि ग्रांट इन एजुकेशन सिस्टम ऐड किया था क्या, आंसर इज यस। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज की बात की थी क्या, अगेन आंसर इज यस। उसके बाद में इंग्लिश एज अ मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन ऑफ एट ऑल द लेवल, तो इवन मेरे एक्सट्रीम में ये फेल होता है क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन में आप लोग क्यों करोगे, तो थ्री को अगर आप एलिमिनेट करते हो एक को भी, तो बाकी आपको पता है नहीं पता, आपका आंसर जो है वो एक ही आएगा और वो है आपका ए आंसर। ओके, बाकी आपके मैंने यहाँ पे डिटेल वापस दे दिए हैं कि 1984 में कैसे चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है वो आया था और उसने क्या क्या सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किए हुए थे। तो आपके पास में जब टाइम हो तो मेरे स्लाइड्स जो है वो अगेन मेरे आई अरविंदा चैनल पर भेज रहा हूँ। तो पहले मैं नहीं भेजने वाला था, बट आपका ही एक कलीग अमोद पातोड़े, उसने रिक्वेस्ट की कि सर अगर हो सके तो ये स्लाइड्स हमें भी भेज दीजिए तो हम लोग इसको यूज करके अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ और आप सबके लिए दे देता हूँ, क्योंकि मेरा बस एम यही है आप सब क्लियर करो और कल जाने के बाद आप कहीं ना कहीं बोलोगे कि अरविंद सिंह राजपुरोहित का थोड़ा सा तो भी हेल्प हमें हुआ ही है। ओके, हमारे एग्जाम क्लियर करने में। तो और इसको आप यूज कैसे कर सकते हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। हर एक क्वेश्चन जो है, ओके, हर एक क्वेश्चन का मैंने ऐसे किया हुआ है कि एक जो है ये आपका क्वेश्चन और आंसर, इसकी दो अलग अलग स्लाइड्स बनती है। तो क्वेश्चन तो आप लोग भी क्या कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन हुआ उसके पीछे आपको फट से आंसर मिल जाएगा, तो आप लोग पहले अटेम्प्ट कीजिए इसको, ठीक है, आप लोग पहले इसको अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से। ये वाली जो स्लाइड आप लोग देख रहे हो तो ये आपकी मेरी फर्स्ट स्लाइड है और फर्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पे दिया, आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, आपका सही हो रहा है गलत हो रहा है आप लोग फट से देख सकते हो अगले ही स्लाइड में। तो सेकंड स्लाइड में आपको जो है वो फट से दिख जाएगा। तो ये मेरी फर्स्ट स्लाइड, ये मेरी सेकंड स्लाइड, तो एकदम एग्जैक्ट मैच आपको दिखता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं, और इसको आप लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, और क्वेश्चन नंबर 20 आपका सिंपल, इतना बड़ा लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया है तो सिंपल था इसमें। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी स्क्रूटिनाइजेस, ओके, हाउस वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशन, रूल्स, सब रूल्स, सब रूल्स बोला हुआ है, बाय लॉज बोले हुए हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। तो ऑब्वियसली फिर आपके कमिटीज यूपीएससी की काफी फेवरेट है और करेक्ट आंसर इसका एक ही बनता है, वो है कमिटीज ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अगर आपको ये नहीं जमा इसका मतलब आपका लक्ष्मीकांत कहीं ना कहीं वीक है और आपको करने की जरूरत है। नो डाउट आपको अगेन थोड़ा सा इसको स्ट्रॉन्ग करना है। नीरव दा चैनल पर मेरे 17 लेक्चर्स पॉलिटी के हुए हैं, जिसमें से आप लोग अगर चाहते हो तो वो 17 लेक्चर्स वहां से देख सकते हो और उसको कवर कर सकते हो। सिर्फ इतना ढूंढिए अरविंद राज पुरोहित GS2, आपको मिल जाएगा नीरव दा चैनल पर। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 आपका आरटीई से रिलेटेड है। तो उस टाइम पे जस्ट आरटीई की अमेंडमेंट वगैरह हुई थी, तो इसमें फिर यूपीएससी ने जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा था। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 2 ओनली है। तो As per the RTE for teaching primary classes, a candidate is required to pass a teacher eligibility test. तो उस टाइम पे RTE ने ये establish किया हुआ है, तो उनको TET जो है वो उनको करना पड़ेगा। ओके, इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। इनफैक्ट यही वाली स्टेटमेंट उल्टी है। आपको पता होगा कि जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहां से BEd वगैरह किए जाते हैं वो प्राइवेट ज्यादा है, और ये प्राइवेट प्लॉरिफरेशन की वजह से अगेन उनको पास किए जा रहे हैं, उसकी वजह से टीचर्स की क्वालिटी घटी आ रही है। तो 3 को तो आप लोग पक्का एलिमिनेट कर सकते हो, और उसके बाद में आपके पास है 1 and 2, एंड 2 ओनली बचता है। तो उसमें से एज पर द RTE, ओके, टू बी एलिजिबल टू अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन अ स्टेट, ओके, अ पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू पजेस अ मिनिमम क्वालिफिकेशन लेड डाउन बाय कंसर्न्ड स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो आंसर इज नो। ओके, इसका आई थिंक शायद से RTE एक्ट में ही बताया हुआ है कि इनका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा करके। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट भी इसका रॉन्ग है, और आपका करेक्ट आंसर बनता है वो है बी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, और क्वेश्चन नंबर 22 आपके ट्रेडिशन एंड डांसेस से रिलेटेड है। गाइस, इस पे भी मैंने एक स्पेशल क्लास ली हुई थी, जिसमें स्पेशल क्लास में मैंने आपको बताया थंगता वगैरह जो है वो कहाँ के है, और उसमें मैंने क्लियरली बताया था थंगता आपका मणिपुर का है। तो थंगता आपका मणिपुर का है, तो ये आपका गया, तो यहाँ पे ये गया, 3 गया, तो आपके पास में बचते हैं दो ऑप्शंस जो है वो आपका 1 ओनली है या फिर 1 and 2 ओनली है। तो एक्चुअली अगेन ये आपका कुंजाम परवा बालाड जो है वो मणिपुर का ही है, और ये भी मैंने बताया हुआ है, जो मैंने वल्नरेबल सेक्शंस पे स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे लिया हुआ है उसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ है। आप लोग चाहो तो मेरे वो 20 स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हो। तो बहुत कुछ मैंने आपको फ्री में दिया हुआ है, तो आपके एजुकेशन में कहीं पे भी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।
ओके सो इसका करेक्ट आंसर आपका बी बनता है एंड आर्ट एंड कल्चर पे तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा ही तो इसलिए अच्छे से इसको कर लो। अब हम लोग आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 23 पे जो आपका फूड सेफ्टी से रिलेटेड है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006 रिप्लेस्ड द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। मैंने बोला है जहां जहां पे एकदम बहुत डेट आते हैं वो गलत होता है बट ये वाला ऐसा क्वेश्चन नहीं है। इनफैक्ट ये वाला करेक्ट आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होता है क्योंकि रूल के एक्सेप्शन होते हैं आप लोग हर जगह पे उसको फिक्स मत कीजिए। फिर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी इज अंडर द चार्ज ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मतलब इससे खतरनाक यूपीएससी का बाण कोई नहीं हो सकता। इस अस्त्र का काट मेरे पास भी नहीं था। मैं बोला भैया ये तो सब जगह मुझे कंफ्यूजन हो रहा था ये भी कंफ्यूज। आई बेटर डिसाइडेड नॉट टू अटेम्प्ट। मैंने बोल दिया छोड़ दो इसको अटेम्प्ट नहीं करना हमको। रीजन बीइंग क्योंकि अगेन हेल्थ मिनिस्ट्री आ रही है FSSAI आ रही है। मैं बोला हो सकता है मे बी नहीं भी हो सकता क्योंकि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर तो नहीं है कहीं पे और ये एक्चुअली फूड एडल्ट्रेशन एक्ट को ही रिप्लेस करके आया है क्या क्योंकि फूड तो ठीक है मे बी हो सकता है बट मैं बोला यार ऐसा क्यों होगा। तो मैं चारों तरफ से एकदम मुझे लग रहा था कि चारों ऑप्शन जो है वहां पे करेक्ट है और फिर ये मेरे लिए रशियन रूले होने वाला था। मैं बोला भैया इसको नहीं करता मैंने इसको छोड़ दिया और बाद में जब जिन जिन लोगों ने इसको तुक्का उक्का मार के किया एक्चुअली उन सबका गलत हुआ। करेक्ट आंसर इसका ए है ओके वन ओनली है बिकॉज FSSAI जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करती है। आंसर इज यस लेकिन FSSAI जो है वो आपके इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन के अंडर में काम करती है जो कि एक कैबिनेट सेक्रेटरी का रैंक जो है वो एंजॉय करता है। तो आप लोग यहाँ पे देखो अब कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा और ये मतलब इम्पॉसिबल क्वेश्चन था ओके ये इम्पॉसिबल क्वेश्चन था कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अंडर चार्ज ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विसेस। तो इसके अंडर में नहीं है बट यूनियन मिनिस्ट्री में है क्या यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में है क्या। तो आंसर इज यस हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर है लेकिन उसका इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन है और उसका वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर में काम नहीं करता है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा होने की वजह से मैंने तो बोला भैया छोड़ दो इसको मैंने छोड़ दिया और अच्छा है मेरा निगेटिव में मार्क्स नहीं गया फिर। तो यहाँ पे इसका वन ओनली जो है वो आंसर आपका करेक्ट बनता है ओके। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे और एकदम सिंपल है। अगर ये आपको नहीं पता है कि टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है या आपके टाइप ए क्वेश्चंस में अगर नहीं आता है तो फिर आप गलत फील्ड में हो आपको यूपीएससी नहीं करनी चाहिए या फिर आप गलत टीचर से सीख रहे हो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस फिर मेरे से सीखना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका इजराइल है ओके। तो इजराइल एंड पैलेस्टीन का ये टू स्टेट सॉल्यूशन और कब से इशू चल रहा है इवन अभी भी इसके इशू जो चल रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे और 25 अगेन मैंने आपको बोला है हर बार डाउन रोडेंस का ध्यान रखना हर बार जो वल्नरेबल्स है उनका ध्यान रखना। यूपीएससी भले ही एक्ट जो है वो 2013 का है इन एक्ट्स पे क्वेश्चन पूछेंगी ही ओके ये आपके पेरेनियल सोर्सेस ऑफ द क्वेश्चन है जहां से आपके क्वेश्चन आने ही वाले हैं। और इसमें देखो यूपीएससी ने कितनी गंदी ट्रिकरी की हुई है यहाँ पे फैक्ट में क्या किया है उन्होंने एक्चुअली आपके 600 कैलोरीज होते हैं 600 कैलोरीज रिक्वायर्ड है उसके आगे एक आपका ऐड कर दिया है। अब आप लोग बोलोगे यार मैंने आपके ने अगर कहीं पढ़ा भी हो उसको तो रफ रफली आपके दिमाग में आएगा यार मैंने पढ़ा है 600 आपका कुछ तो है तो मे भी 600 ही रहेगा लेकिन आप भूल जाते हो आपके इमेज दिमाग की इमेज भूल जाती है कि वो 1600 था या 600 था वगैरह आप भूल गए हो और लोग फिर इसका आंसर जो है वो 3 को करेक्ट मान बैठते हैं। तो अब अगेन यहाँ पे एक चीज और देनी है कि द फैमिलीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ द बीपीएल। तो आप अगर एकदम इन जनरल स्टेटमेंट को पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा कि यार ये तो सही है दे आर ओनली एलिजिबल यार नाम से तो सही लग रहा है बट फूड सेफ्टी एक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है इवन मेंस के लिए भी अच्छे से पढ़ना है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है एंड इनफैक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट को गलत करते ही या तो 2 ओनली बचता है या फिर 3 ओनली बचता है। द एल्डेस्ट वुमन इन द हाउस होल्ड ऑफ द एज 18 और अबव। तो आजकल गवर्नमेंट खास करके ये वाली जो गवर्नमेंट है वो सारा का सारा लीड रोल जो है वो वुमन को ही दे रही है और उन्हीं को लीड बना रही है ताकि वुमन एम्पावरमेंट हम लोग इंश्योर कर सके। तो 2 ज्यादा है वो आपका स्टेटमेंट करेक्ट है और ये आपका गलत बनता है बिकॉज यहाँ पे 600 कैलोरीज की बात हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपका 50% आपका अर्बन पॉपुलेशन और 75% आपका रूरल पॉपुलेशन टोटल हो गया आपका 67% पॉपुलेशन। तो 67% पॉपुलेशन थोड़ी ना आपका बीपीएल के अंडर में इन्होंने आइडेंटिफाई किया और उन सबको सब्सिडाइज्ड फूड देते हैं। तो इसके लिए इसका फर्स्ट आंसर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत बन जाता है आपका।
ओके और वैसे ही आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत बनता है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्लियरली उनके यू नो अब इतने डिटेल में कौन पढ़ता है, वो बात तो सही है ही, बट फिर भी अब यहाँ पे ही आपका 600 दिया हुआ है और यूपीएससी ने ऐसे पूछा था और यहाँ पे सिर्फ एक आपका ऐड कर दिया, तो कभी कभी ये फैक्ट जो है जानबूझ के इन लोग गलत देते हैं। ओके तो फैक्ट्स डेट्स जहाँ पे बात आती है जानबूझ के इसको थोड़ा सा ट्वीक करते हैं। तो अब वो जो मैंने बोला था आपको रूल कि जहाँ पे एकदम फैक्ट और डेट आपसे एग्जैक्ट पूछ रहे हैं ना, वहां पे इन लोग पक्का कुछ तो ट्वीक करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने इवन कल देखा था पीवीटीजीज में, वहां पे 95 कर दिया 75 के जगह पे। ओके तो आपको लगा यार 5-5 सही है, तो ऐसे गलत हो जाता है हमारा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बन गया है बी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, ये अगेन मैंने अपने स्पेशल क्लास में सिखाया हुआ है अनअकैडमी पे, आप लोग वहां पे देख सकते हो, एकदम डिटेल में आप लोग सीख सकते हो। सॉरी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से, मैंने मुझे लगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एनीवेज ये भी ये जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ये आपके आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपका मेंस के सिलेबस का पार्ट है और इसको यूजुअली लोग प्रीलिम्स में अवॉइड करते हैं, बट मैं अगेन गाइस आपको बोल रहा हूँ कि कैसे मेंस और प्रीलिम्स आपके कनेक्टेड है। तो आपके पेटेंट एक्ट पे क्वेश्चन आ रहा है, कल हम लोगों ने देखा था कि आपके प्लांट वैरायटी के प्रोटेक्शन पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, अब आपके जीआई एक्ट पे इन लोग जो बार 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 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये आपका एक्चुअली डब्ल्यूटीओ इसका करेक्ट आंसर है। डब्ल्यूटीओ के कंप्लायंस में आप लोगों ने जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये वाला बनाया हुआ है। तो मैंने नो डाउट डब्ल्यूटीओ में भी आपको सिखाया हुआ है ये वाली चीज, और आप लोग यहाँ पे ये वाला डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो। और जीआई टैक्स पे भी क्वेश्चन पूछा है कि किस किस को मिला है, दाल बाटी को मिला है नहीं मिला है, तिरुपति का लड्डू को मिला है नहीं मिला है, ये भी इन लोग टाइम टू टाइम पूछते रहते हैं, इसलिए जीआई टैग करके जाना। 27th क्वेश्चन पे आते हैं। 27th क्वेश्चन आपका रिलेटेड है यू नो अब थोड़ा सा मिनरल से रिलेटेड। ओके तो अब ये अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट इसको आप इजी बना सकते हो अगर आप लोगों ने 9th और 10th की एनसीईआरटीज जो है ज्योग्राफी की अच्छे से करके रखी होंगी। तो उसमें बहुत अच्छे से इन लोगों ने एकदम इमेज के फॉर्म में बताया हुआ है, और आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में एक्चुअली आयन ओर के माइंस है। तो 3 ओनली वाला, तो या तो ये करेक्ट है अब या तो ये करेक्ट है। ओके मतलब आपका सेकेंड स्टेटमेंट तो गलत है ही, क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश और झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। तो इनफैक्ट ये आंसर गलत बनता है आपका। अगर आप मैप भी देखो यहाँ पे तो आपको दिखेगा ये वाला, आप लोग जो मैप देख रहे हो इसमें आपको दिखेगा गोल्ड। गोल्ड का सिग्नेचर कौन सा है आपका? गोल्ड का सिग्नेचर ये वाला कोरोना वायरस जैसा। ये अगर आप लोग देखो तो आंध्र प्रदेश की सीमा में आपका आ रहा है ना, आंध्र प्रदेश की सीमा में आपका कोरोना, मतलब आपका ये है। तो इसलिए मैपिंग अच्छे से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर ये भी आपने किया होता तो आपको पता है 2 को आप लोग अवॉइड कर सकते हो। 2 को अवॉइड करते आपके पास में 1-3 या फिर 3 ओनली बचता है। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। ओके नॉन गोल्ड माइंस में आप कुछ भी आ सकता है, आप लोग यू नो गोल्ड माइंस की बात करो नो डाउट आपके माइका वगैरह की। तो मेजर मिनरल माइनर मिनरल में ऑलरेडी क्लासिफिकेशन किया हुआ है, तो अगेन आपका इसमें आपके लिए MMDR एक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, और उसके अंडर में ऐसा नहीं बोला। इनफैक्ट नॉन कोल माइंस जो है उसके लिए कुछ ना कुछ पावर जो है वो सेंटर ने MMDR एक्ट 2015 का जो है उससे डेलीगेट किया हुआ है। तो गाइज अगर आपको आज का असाइनमेंट कोई करना ही है तो बहुत अच्छे से कीजिएगा। 2 एक्ट, एक तो है फूड सेफ्टी एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट, और दूसरा आपका MMDR एक्ट, बिकॉज हर साल इस पे क्वेश्चन बन रहे। तो देखो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि MMDR एक्ट पे ये वाला क्वेश्चन आपका बना मिनरल्स पे ऐसा वाला, और अगले साल वापस आपसे मेजर मिनरल माइनर मिनरल पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपने ये मिनरल्स माइंस वगैरह अच्छे से किए होते तो आपका अगले साल मतलब 2019 में अच्छे से समझ में आ जाता, इसलिए इसको अवॉइड नहीं करना और बहुत अच्छे से पढ़ते रहना है। कभी कभी आपको यूपीएससी बताता है कि वो अगले साल में भी क्या क्वेश्चन वगैरह पूछ ले। ओके तो दैट वॉज अबाउट इट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, और ये अगेन आपका डे टू डे लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको अगर आपने अच्छे से यू नो प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर नहीं दिखा तो आपका गलत होगा। व्हाइल चिप पिन डेबिट कार्ड जो है उसमें 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। आप सब यहाँ पे जो भी अटेंड कर रहा होगा मेरा लेक्चर, डेबिट कार्ड आपने यूज किया होगा। डेबिट कार्ड में आप लोग कब से 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब क्या 4 बार आपका ऑथेंटिकेशन होगा? आपका मोबाइल से एक बार ऑथेंटिकेशन हो रहा है, आपका एक बार पिन से ऑथेंटिकेशन हो रहा है, आपका एक बार और कुछ ऑथेंटिकेशन है, एक बार और कुछ ऑथेंटिकेशन है। आपने 4 बार किया है क्या कभी? आंसर इज नो। आपका यूजुअली ऑथेंटिकेशन अगर हुआ, आप लोग पिन कोड डालते हो उसका मोबाइल पे आपको मैसेज वगैरह आ जाता है, इसके थ्रू यूज कर रहे हो ना, तो 4 तो नहीं है।
इतना तो आप निकाल सकते हो। और भीम ऐप जो है उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। तो एक्चुअली देखो, अब मोदी जी के स्पीचेस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये मोदी जी ने जब इसको भीम ऐप को जब लॉन्च किया था तो उस टाइम पे उन्होंने क्लियरली बोला था, मोदी जी भीम ऐप जब जिस दिन लॉन्च किए तो ये था आपका January 3, 2017, और उसमें उन्होंने बोला कि थ्री फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज की सेफ्टी फीचर ऑन दिस। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली एक तो ये चीज बोली थी, उसी के अलावा इन्होंने यहाँ पे पूरा का पूरा स्पीच में उनका बोला हुआ है, फ्रॉम अ कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू देर आर थ्री लेवल ऑथेंटिकेशन दैट आर रिक्वायर्ड ऑन इन दिस ऐप। वन इज डिवाइस आईडी, फिर उसके बाद में आपका है मोबाइल नंबर, एंड देन है आपका बैंक अकाउंट विच यू आर लिंकिंग टू द ऐप, एंड फाइनली फाइनली द यूपीआई पिन। तो ऐसे आपका तीन जो है वो थ्री फैक्टर इनकम रहेगा। लेकिन जो आपका नॉर्मल जो नेट बैंकिंग ऐप है या फिर चिप पिन डेबिट मेथड है, उसके लिए आप लोग सिर्फ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो यूज करते हो। तो मोदी जी के स्पीचेस आप भूल छोड़ नहीं सकते हो, सीधा मोदी जी के स्पीच से क्वेश्चन बना लिया, एक नंदन निलेकनी के आर्टिकल से क्वेश्चन बना लिया, एक मोदी जी के स्पीच से क्वेश्चन बना लिया। तो भैया यूपीएससी उसका वर्ल्ड है, कुछ भी क्वेश्चन बनाएगी। बट अगेन, आपने अगर मोदी जी की स्पीच नहीं भी सुनी थी या नहीं भी पढ़ी थी तो भी आप लोग इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो। बाकी भीम ऐप अलाउज यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद यूपीआई एनेबल्ड बैंक, ऑब्वियसली आंसर इज यस, इसलिए करेक्ट आंसर बनेगा इसका ए। आप सब यूज करते हो उसको और आपको पता भी है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे, और क्वेश्चन नंबर 29 आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मेरा तक रॉन्ग हुआ और मेरा कितने रॉन्ग हुआ होगा। मतलब कभी कभी जब तुम एकदम लाइट मोड में आ जाते हो ना तो ऐसी गलती करते हो। मैंने एक्चुअली ऐसा जो है वो इंडिया का मैप वहां पे ऐसे बना के ले लिया थोड़ा सा, और मैंने दिल्ली में बोला रफ रफ ये दिल्ली यहाँ पे है, और मैंने ऐसे यहाँ से सीधा वर्टिकल ड्रॉ किया। यहाँ पे मैंने मुंबई को बनाया, यहाँ मैंने पुणे को बनाया, और बेंगलुरु को मैंने यहाँ पे बना दिया, नागपुर को मैंने यहाँ बना दिया, और एक्चुअली जो सबसे फार्देस्ट पॉइंट जो है ना वो पुणे है, लेकिन मैंने आंसर पुणे लगाया। सोचो मतलब इतनी गड़ी गलती जो है मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई भी हो सकता है। बट अगेन कुछ क्वेश्चंस आपको गलत करना अलाउड होता है, तो ये मैंने डी लगाने के बाद में मेरा तो गलत हो गया। इसका राइट आंसर जो है वो बेंगलुरु है। तो देखो कितना डिफिकल्ट इस बार आपका लॉन्जिट्यूड बेस पे आपका पूछ रहे हैं कि भैया दिल्ली के सबसे पास में कौन सी है। तो कभी कभी यू नो थोड़ा सा लाइट जब आप एग्जाम एनवायरमेंट में हो जाते हो ना तो ऐसी गलतियां कर बैठते हो। तो प्लीज आप लोग इसको दोहराइएगा मत, और इसका राइट आंसर जो है वो आपका है ए। और अगर आप लोग यू नो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के हिसाब से अगर जाओ तो आपको पता चलेगा कि बैंगलोर ही इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। बाकी पुणे तो इनफैक्ट सबसे फार्देस्ट था, और मैंने इनफैक्ट पुणे को यहाँ पे बताया, लेकिन फिर भी देखो कितना एकदम इन लोग जो है वो आजू बाजू के पूछ रहे हैं। तो नागपुर देखो, नागपुर ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका 21 वगैरह और 79 के लैटिट्यूड पे, और ये भी आपका बैंगलोर जो है वो 12, 15 एंड 77 के लैटिट्यूड पे। तो इसके लिए थोड़ा सा मे भी बच गया, बट बाकी यही चीजों को ध्यान में रखना। अब हम लोग आते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन पे, तो इस पे ऑलरेडी मेरी स्पेशल क्लास है, आप लोग अटेंड कर सकते हो, जिसमें 138, 182 बहुत अच्छे से डिटेल में बताया, और ये सब कुछ जो है वो आपका चाइल्ड लेबर से जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये सब क्यों पूछा गया आपसे, क्योंकि अगेन March 31, 2017 में पूछा था, हुआ था ये वाला कि कैबिनेट ने जो है वो आपके दो आईएलओ के जो कन्वेंशन है उसका अप्रूव करने की बात की थी, और ये दो आईएलओ के कन्वेंशन कौन से थे, नंबर 138 एंड नंबर 182, जो आपके चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने के लिए थे। तो ये तो मतलब सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट जो मैगजीन थे उन सबने ये वाली न्यूज जो है वो कवर की हुई थी। ये अगर आपका गलत हो रहा था तो आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसका सिंपल मतलब बनता है। बाकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मेरा स्पेशल क्लास का लेक्चर है, आपको डिटेल में पढ़ना है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, और क्वेश्चन नंबर 31 है आपका मनी बिल से। अगेन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट मैंने जितने भी प्रीलिम्स दिए हैं ना सबसे डिफिकल्ट मुझे लगी थी 2018 की। 2018 की प्रीलिम्स काफी सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। एक तो पहली बात नंबर ऑफ पोस्ट भी कम थे, नंबर ऑफ पोस्ट पहली बार हार्डली 750 वगैरह कुछ पोस्ट इन लोगों ने निकाले थे। तो 750 से सिर्फ पोस्ट है उसमें भी क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछे हुए हैं, और हालत खराब कर दी थी। बहुत सारे लोगों ने तो अटेम्प्ट ही मिस कर दिया था, बोले जान दो इस बार तो नहीं देंगे, और फिर जब नहीं दिया तो उनको लगा अरे यार थैंक गॉड इतना भयंकर पेपर देखने के बाद में अच्छी बात है कि मैंने नहीं ही दिया ये अटेम्प्ट। तो मनी बिल की अगर हम बात करें, अगेन इसमें कुछ लोग ए और सी में वगैरह लड़ाई किए जा रहे थे, बट इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी। और मनी बिल को आपको कितने डिटेल में पढ़ना है तो अब आप लोग देखिए, यहाँ पे मनी बिल के रिगार्ड में आपसे पूछ रहे हैं, अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ कंटेन्स ओनली। तो अब लोग बोले यार ये तो एक्सट्रीम है, इसको उड़ा दो, ओनली प्रोविजन रिलेटिंग टू इम्पोजिशन एबोलिशन रिमिशन वगैरह वगैरह यहाँ पे, एंड मनी बिल हैज प्रोविजन फॉर कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
और कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया. उसके बाद में मनी बिल डील्स विद द यू नो रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ द मनी और गिविंग एनी गारंटी. तो इसमें सबसे नॉट करेक्ट वगैरह पूछा हुआ है. तो एक्चुअली इतने सारे के सारे पास पास के ऑप्शंस है. अब ये मनी बिल है आपका जो आपके यू नो यूजली आप लोग लक्ष्मीकांत में नहीं पढ़ते हो क्योंकि आपके 110 आर्टिकल में आपका ऐसा दिया हुआ है. अब 110 में आप लोग देख रहे हो इसमें सब प्रोविजंस है. फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर अ बिल शैल बी डीम्ड एज मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली, ये देखो यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है तो ये एक्सट्रीम में नहीं है. अब उसके आगे द इम्पोजिशन एबोलिशन वगैरह वगैरह. फिर कुछ लोग बोले सर यहाँ पे ओनली जो है यहाँ लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं तो लोग एकदम इसमें माथा बच्ची किए जा रहे थे. बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो था इसका सी था क्योंकि अ मनी बिल इज कंसर्न्ड विद अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया. अप्रोप्रिएशन आउट आपका कहीं पे भी यहाँ पे मनी बिल में नहीं लिखा हुआ. तो देखो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात की है क्या? आंसर इज यस. लेकिन कहीं पे भी अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी इज आउट ऑफ कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया बात की है क्या? आंसर इज नो. अगर आपको ये कंसोलिडेटेड कंटिंजेंसी फंड वगैरह नहीं समझ में आता है नीरोधा चैनल पे आप लोग मेरे लेक्चर्स देख सकते हो, वहां पे एकदम आपको पॉलिटी पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा. ओके तो देखो कितना डिफिकल्ट इस बार का यूपीएससी इन लोगों ने बनाया हुआ था. एंड अगेन गाइस मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि अगले साल इन लोग नहीं बनाएंगे, मैं भी बना सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ध्यान रखिए अच्छे से. अब हम लोग आते हैं आपके विद रेफरेंस टू इलेक्शन. अगेन इसमें बहुत सारे लोगों ने ओवर थिंकिंग कर दी और ओवर थिंकिंग करने की वजह से मारे गए. तो अ वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. तो ये तो उन्होंने बोला कि यू नो सही है, ये सबको सही पता था. तो एक्चुअली इसने पे सब लोगों ने कर दिया. फिर बोले द वैल्यूज ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यूज ऑफ द वोट्स ऑफ द एमपीज ऑफ द राज्यसभा. यहाँ पे लोग ओवर थिंकिंग में फंस गए. ओके मुझे पता था यूपीएससी क्या पूछ रही है कि एक राज्यसभा के वो मेंबर की वैल्यू और एक लोकसभा के यू नो मेंबर की वैल्यू दोनों भी आपके सेम है. ये आपसे यूपीएससी पूछ रही है, मैंने इसको समझ लिया और मैंने यहाँ पे राइट लगा दिया. लोगों ने यहाँ पे क्या इंटरप्रेट किया कि राज्यसभा के जितने भी टोटल मेंबर्स है आपके 545 मेंबर्स, उसको वैल्यू से अगर आप मल्टीप्लाई करो और आपके लोकसभा के जो 245 मेंबर्स है उसके वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करो तो वो आपके अनइक्वल आएंगे. और इसलिए ये वाला सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होना चाहिए. बट फाइनल जो यूपीएससी की भी आई, फाइनल जो एनसी The value of vote of MPs of Lok Sabha is more than, हाँ तो final जो UPSC की जो आई उसने भी आपका ये वाला statement जो है वो गलत बताया. ओके तो कुछ लोगों ने इसको आंसर जो है वो सी लगा दिया क्योंकि उनका बोलना था कि यहाँ पे ये जो है ये सही बात है क्योंकि ये ऑब्वियसली ग्रेटर होने वाला है. तो इसलिए फिर इन लोगों ने इसको करेक्ट लगा दिया कि द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू वगैरह. तो ये ओवर थिंकिंग का नतीजा है. कभी कभी ओवर थिंकिंग आपको लेके डूब मरती है. तो इधर ओवर थिंकिंग नहीं करनी थी. आपसे सिंपल पूछा था एक राज्यसभा और एक लोकसभा के एमपी की वैल्यू सेम है क्या या ज्यादा है कम है, आपको बताना था कि भैया सेम है. और फिर ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट इसलिए आपका रॉन्ग हो जाता है और आपका करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा वो है वन ओनली. ओके अब हम लोग देख लो, इवन आपको लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से क्लियरली दिया हुआ है. यूजुअली ये फॉर्मूला लोग सिखाते ही नहीं है और ना ही इसको समझाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं. मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. अगेन आप लोग मेरे पॉलिटी के वीडियोस देख सकते हो अगर आपको देखना है नीरव दा चैनल पर. बहुत एकदम मैंने एग्जाम्पल के साथ में इसको एक्सप्लेन किया, अगर आपका रह गया आप लोग वहां पे देख लीजिएगा. ठीक है अब हम लोग आते हैं. और ये क्वेश्चन क्यों पूछा आप मुझसे पूछो तो सिंपल है. जुलाई 20 में मतलब 2017 में प्रेसिडेंशियल पोल हुए थे तो नो डाउट उस पर फिर आपका क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा. क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो आपका आई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का एडिशनल प्रोटोकॉल जो है वो साइन करने के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे उस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है. सॉरी उसके रेटिफिकेशन के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे उस पर क्वेश्चन पूछा है. अब यहाँ पे देखो अगर आपको पता है नहीं पता है फिर भी आप लोग समझ के लीजिए. द कंट्री विल ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर ऑफ MNSG, वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, आप इसको उड़ा सकते हो. द मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन आप लोग उसके अंडर में रख दोगे. अरे भैया मिलिट्री की क्यों रखोगे आप, नहीं रखोगे इसलिए ये भी उड़ा दिया. ठीक है तो ये दो एक्सट्रीम स्टेटमेंट अगर आप थोड़े से सीरियस कैंडिडेट हो आप उड़ा सकते हो. अब आपका बचता है ए और सी. ओके द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर द IAEA सेफगार्ड. तो इसका राइट आंसर एक्चुअली ये है. द कंट्री विल हैव टू हैव द प्रिविलेज टू बाय यूरेनियम फ्रॉम द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप. तो वो तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने ऑलरेडी दिया हुआ है तुमको और वो वेवर के थ्रू दिया है, यूएसए ने दिया हुआ था हमको. ओके तो इसके लिए अगर आप ए और सी में कंफ्यूज भी हो फिर भी इसका आंसर जो है वो ए है फाइनल. ओके अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे और वेरी इजी क्वेश्चन.
अगर आप आसियान के रिलेटेड में नहीं पढ़े हो तो फिर आप लोग अगेन गलती करते हो। ये मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को सिखाया हुआ है। इनफैक्ट इस साल की करंट अफेयर्स बैच में भी मैंने बहुत आरसेप जब सिखाया था उस टाइम पे मैंने उनको एकदम मार मार के रटाया हुआ है कि भैया आरसेप के आपके कौन कौन से मेंबर्स थे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो मेंबर्स हैं उन लोग ही अब उसको और एक लेवल ऊपर लेके जाना चाहते हैं आरसेप में, तो वही सब आपके मेंबर्स है। तो मेंबर्स में कौन है आपके 1, 3, 4, मतलब कौन, ऑस्ट्रेलिया है, कैनेडा है, उसके बाद कैनेडा नहीं है सॉरी, चाइना है, इंडिया है और जापान है, और आपका यूएसए नहीं है। तो यूएस यूएस नहीं है, इसका पार्ट रशिया भी नहीं है, ओके okay? और कनाडा वनाडा तो दूर की बात में है। तो इसका करेक्ट आंसर फिर आपका आता है सी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, और ये क्वेश्चन अगेन मैंने बोला बहुत ही डिफिकल्ट पेपर बनाया हुआ था, आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी पूछा हुआ, कुछ कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, बट मैंने बोला है कि डेट जब इन लोग डाल देते हैं गलत डालते हैं जानबूझ के आपको आपको गलत करने के लिए। तो ये एक्चुअली 2014 था, एक तो डाला भी कितना है, दिसंबर 2014 की न्यूज है ये, और ये पेरिस क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सा आपका मतलब नवंबर दिसंबर के पीरियड में अगेन हुआ था, तो एक साल का फर्क है। तो आप लोग भी कंफ्यूज यार हुआ है या नहीं हुआ है, और पहली बात तो इसके बारे में किसी ने सुना नहीं था, और इस कंडीशन में याद रखना अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपने नहीं देखा है, और भी किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा उसका भी गलत होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन को मैंने बोला भैया सीधा राम राम, दूर से ही राम राम, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं है ओके okay? बट अब अगर हाइंडसाइट में आप पूछो तो फिर इसका आंसर जो है वो करेक्ट बनता है 2 only। अब देखो कितने एकदम कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है, मेंबरशिप इंडिया इसका इंस्ट्रूमेंटल क्रिएशन है क्या, एक तो हम बोलेंगे यार हाँ ना यहाँ पे इंडिया में भी हम लोग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर वगैरह चाहते हैं, क्यों नहीं होंगे हम लोग इसके मेंबर, हम लोग तीन को करेक्ट पकड़ लेंगे, तीन को करेक्ट पकड़ोगे आपके ये ऑप्शन बनेंगे, इनफैक्ट जो ऑप्शन नहीं है उसी को आप लोग ऑप्शन बनाने वाले हो। तो इसलिए ये मेरे डी सेट में आता था, मैंने इसको छोड़ दिया, ज्यादा हेरा फेरी करनी नहीं है। बाकी ये याद रखना FAO से रिलेटेड है ओके okay? और इन्होंने ये ग्लोबल अलायंस वगैरह ज्वाइन किया, मतलब क्रिएट किया था 2014 में, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, ये बाद में अब सबको पता चली गया। क्वेश्चन नंबर 36, डिजिटल इंडिया, और डिजिटल इंडिया अगेन पूरा का पूरा लॉजिकल क्वेश्चन है, और ये मैंने अगेन मेरे करंट अफेयर्स बैच में अच्छे से सिखाया हुआ है। डिजिटल इंडिया के 9 pillars है, कौन कौन से हैं उसकी इमेज तक दी हुई है, और उसके ब्रॉडबैंड हाईवे, यूनिवर्सल एक्सेस, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, ई गवर्नेंस, उसके बाद में ई क्रांति, आपका इन्फॉर्मेशन टू ऑल, IT जॉब है, ये वो सब मैंने एकदम अच्छे से सिखाया हुआ है। तो ये अगर आप देखो तो इसमें आपको पता चलेगा कि डिजिटल इंडिया के एम क्या है, कि आपको इंटरनेट कंपनीज बनानी है जैसे चाइना ने बनाई हुई है। भैया हम चाइना जैसी क्यों बनाएंगे, हम बनाएंगे तो भी यूएस जैसी बनाएंगे, उड़ा दो। इस्टैब्लिश अ पॉलिसी फ्रेमवर्क टू एनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल कोऑपरेशन दैट कलेक्ट द बिग डेटा, और उन लोग यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है वो एक्चुअली डेटा सेंटर्स अपने बनाए। तो ये डेटा लोकलाइजेशन तब तक इतना चर्चा में था भी नहीं, मतलब नो डाउट था, बट उसका और डिजिटल इंडिया का क्या लेना देना है, तो नहीं है ओके okay? तो ये भी अगेन थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाने की वजह से इसका करेक्ट आंसर आपका बनता है 3 only, दैट इज कनेक्ट मेनी ऑफ आवर विलेजेस टू इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई वगैरह वगैरह अलग अलग जगह पे। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है आपका बी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, और ये गाइज अगेन थोड़ा तो भी आपको न्यूज में अपना दिमाग रखना होगा। तो सिंपल है, मजहर शरीफ अफगानिस्तान में है क्या, येस आंसर इज येस बिकॉज इधर बहुत बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हुए। अलेप्पो आपका सीरिया में है क्या, अगेन उस टाइम पे अलेप्पो वगैरह का चल रहा था, और आपका ये क्या नाम है इसका ISI आईसिस, तो आईसिस जो है इवन उसके बारे में चीजें जो है वो चल रही थी। तो ये किरकुक और मोसुल आपका कहाँ है, ये सब आपका इराक में वगैरह आता है, इसको आपने पैलेस्टीन में भेज दिया है, तीन को हटाया, ये गया, आपके बचते हैं ये या तो 1, 2 या फिर 1, 4। उसके बाद में आपका अलेप्पो सीरिया में ये किरकुक जो है वो यमन में, आंसर इज नो ओके okay, तो इसके लिए अगेन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पीएम मोदी कंडेम्स द कावर्डली टेरर अटैक ऑफ अफगानिस्तान आर्मी बेस, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि तालिबान ने जो है वो मजरे शरीफ में एक्चुअली अटैक वगैरह किया हुआ था। तो करेक्ट आंसर वहीं पे लगता है आपका। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, और क्वेश्चन नंबर 38 आपका पूछ रहा है 1935 के एक्ट के बारे में। मेरा मानना है लक्ष्मीकांत का हिस्टोरिकल जो चैप्टर है, कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला जो चैप्टर है उसको तो पूरा पूरा आपका रटा हुआ होना चाहिए ओके okay, उस पर क्वेश्चन आने ही आने। अगेन लॉजिक से भी आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर या प्रोविंशियल गवर्नर्स को आप लोग पावर क्यों दोगे, यहाँ पे पावर दी गई थी वाइस रॉय को, एक और नाम जो रेसिडरी पावर जो है वाइस रॉय को दी हुई थी, और एक और नाम जो दिया हुआ है वाइस रॉय को ओके okay? तो वो गवर्नर जनरल भी है। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो बनता है आपका बी। तो आपको पता होगा कि ये सब्जेक्ट जो है आपका डायरार्की जो है वो क्या हुआ था 1919 में ओके okay? 1919 में नीचे इंट्रोड्यूस किया गया था, और
1935 में ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें आपके रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट वगैरह हुआ करते थे। तो रेसिडरी पावर ऑब्वियसली आपके गवर्नर जनरल मतलब वाइसरॉय को दिए हुए थे। ओके, तो इतना सिर्फ दिमाग में रखना। और प्रोविंशियल गवर्नर का तो दिमाग में आना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसके हटा दिए गए थे। ओके, ये 1919 में वो करता था, 1935 में ये आपके हटा दिए गए थे। तो इतना इसका आंसर है। अब है 39 क्वेश्चन जो है वो है आपका, द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली। आंसर इज यस, क्योंकि अब वो लोग मेंबर ही नहीं है ना। मेंबर नहीं है तो सबसे पहले स्पीकर का क्राइटेरिया क्या है कि आप लोगों ने एटलीस्ट उस हाउस का मेंबर होना चाहिए। तो पहला आपका सही है। Whenever the legislative assembly is resolved, the speaker shall vacate. अरे वो interregnum वाला क्या चीज है? Interregnum मतलब क्या है कि जब तक आपका अगला बंदा नहीं आता तब तक सीट को वैकेट नहीं कर सकते हो। इतनी बड़ी पोजिशन है प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, या यू नो स्पीकर की वगैरह। तो आप लोग जो है वो डिजोल्व होने के बाद में भी आप लोग रुके रहोगे। ओके, जब तक नया इलेक्शन नहीं होता तब तक आप रुके रहोगे। तो इसके लिए करेक्ट आंसर इसका बनेगा ए ओनली। अगेन ये आपके बेसिक्स में से आता है, बहुत अच्छे से अगर आप करोगे तो अच्छा है। और एक बता देना चाहता हूँ, ये वाला पेपर जो था वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस वालों के लिए एकदम डिलाइट वाला पेपर था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इन लोगों ने पॉलिटी से पूछे हुए थे और बहुत मजा आता है जब पॉलिटिकल साइंस वालों को बेनिफिट मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका यू नो लॉ एंड लिबर्टी का रिलेशन पूछा। सीधा सीधा मैंने लोगों को सिखाया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में कि सीधा बोलते हैं कि इफ देर इज नो लॉ देर इज नो लिबर्टी। ये वाला इसका आंसर था। अगेन इसके लिए आप लोगों को बेसिक एनसीईआरटी जो वो कवर करना जरूरी है। अब देखो, इफ देर आर मोर लॉज तो देर आर लेस लिबर्टी वगैरह, ऐसा लोगों ने कुछ लोगों ने लगा दिया। फिर उसके बाद में इफ देर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, गलत। ये सब 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 गलत था। पूरा का पूरा एक ही स्टेटमेंट है आपका, इफ देर इज नो लॉ देर इज नो लिबर्टी। इसका थिंकर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे पता है बट मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे कितने पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन लोग जो है उनको पता है करके। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जो है अगेन आपका बेसिक पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये भी अगर आप गलत करते हो तो फिर आप लोगों को मारना चाहिए पकड़ के। तो करेक्ट आंसर इसका दोनों है, क्योंकि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग द हिज टर्म ऑफ ऑफिस। अरे भैया, इतनी बड़ी गवर्नर हस्ती है, उसके अगेंस्ट में आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट सिविल प्रोसीडिंग कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, लेकिन 2 महीने का आपको नोटिस देना होगा। फिर द एमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर शैल नॉट बी डिमिनिस्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। यस, थोड़ा सा इंडिपेंडेंस वगैरह रखने के लिए, क्योंकि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और स्टेट में हाईएस्ट लेवल की पोस्ट है, तो ऑब्वियसली थोड़ा तो इंडिपेंडेंस देने के लिए करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 42 जो कि है आपका बनी ठनी पेंटिंग से रिलेटेड। अब ऐसे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से आने चाहिए, और अगर आपका आर्ट एंड कल्चर थोड़ा बहुत वीक है आप लोग नीरव दा अगेन उससे फॉलो कीजिए। इन लोगों से जिन जिन लोगों ने हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर सीखा है, बेस्ट सीखा हुआ है, उनके दिमाग में पूरा का पूरा चीजें जो है बनी हुई है। तो बनी ठनी पेंटिंग ये आप लोग देख रहे हो, और ये वाली किशनगढ़ की स्कूल की पेंटिंग थी। अगर आपको नहीं पता था तो ये सीधा आपके डी वाले सेट में आता है, क्योंकि सारी की सारी राजपूत स्कूल आप देख रहे हो, बुंदी स्कूल, जयपुर स्कूल, कांगड़ा स्कूल और किशनगढ़ स्कूल, सारी की सारी राजपूत स्कूल्स है। राजपूत स्कूल्स की अगर आप बात करो राजपूत पेंटिंग स्टाइल की, तो राजस्थानी है और उसके बाद में पहाड़ी है। पहाड़ी में आपका ये पाशोली, कांगरा, गुलेर, नूरपुर, चंबा और ये सब आपके हैं। एंड राजस्थानी की बात करो तो मेवार, मारवार, हरदोती एंड दूर एंड धुंधर, ये हो गए। और उसके अंदर में आप जाओ तो नाथद्वारा, देवगढ़, शाहपुरा, उसके बाद में किशनगढ़, मारवाड़ में, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली, घानेराव, ये सब आपके हैं। यहाँ पे कोटा, बूंदी, झालवार, आंबेर एंड जयपुर, शेखावती एंड उनरारा, ये सब आपके अलग अलग टाइप के पेंटिंग्स है। तो इस पे क्वेश्चन यूपीएससी हर बार पूछती है, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। अगर नीरव दा के लेक्चर आप अटेंड कर पाते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नितिन सिंघानिया की बुक भी आपके लिए काफी अच्छी रहेगी, जिसमें एकदम अच्छे से इन लोगों ने कवर किया हुआ। ओके, तो अब बाकी मैंने इसमें आपका एटलीस्ट अब राजपूत पेंटिंग, क्योंकि मैंने बोला है कि ये स्लाइड्स मैं आपको दे रहा हूँ, तो थोड़ी सी आपकी हेल्प करने के लिए पूरा राजपूत पेंटिंग के बारे में अच्छा डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, आप लोग इसको बाद में पढ़ लेना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। वेरी सिंपल, अगेन मेरे करंट अफेयर्स में मैंने बहुत बार सिखाया हुआ है थार्ड। तो थार्ड जो है वो आपका न्यूज में है, बिकॉज इट्स एन एंटी अमेरिकन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम। ये डोम क्रिएट करता है आर्टिफिशियल, बिकॉज नॉर्थ कोरिया जो है उस टाइम पे थ्रेट दे रहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर बॉम्ब फेंक दूंगा। तो यहाँ पे साउथ कोरिया जो है वो बोला कि यार ऐसे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, तो साउथ कोरिया की हेल्प के लिए यूएसए का
जो थार सिस्टम है वो यहाँ पे लगाया हुआ है, और इससे अगर समझो इन्होंने मिसाइल वगैरह लॉन्च की तो ये इधर से इसको वापस से काउंटर करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि साउथ कोरिया को एक शील्ड जो है वो दे सके। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 आपका कल्चरल हिस्ट्री से रिलेटेड है। त्यागराज पे क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स था, रीजन बीइंग 250th एनिवर्सरी जो है वो त्यागराज की उस टाइम पे कवर हो रही थी। तो ये सारे के सारे जितने भी करंट के मैगजीन वगैरह थे उन लोगों ने इसको कवर किया हुआ था, विजन से लेके इनसाइट से लेके सब लोगों ने इसको कवर किया था, बिकॉज 250th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी त्यागराज की। लेकिन यूपीएससी वो आपकी बाप है, उसने ओपन चुनौती दी आपको, मैदान में आओ देखते हैं किसमें कितना है दम। उन्होंने बोला मैं त्यागराज पे क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि 250th एनिवर्सरी हो रही है, मैं पूछूंगा। और जहां जहां पे ऐसे एनिवर्सरी होती है ना उस पर ध्यान रखिए, जहां 100 साल हो गए हैं, जहां 250 साल हो गए हैं, और कोई 500 साल हो रहे हैं, तो ऐसे पे यूपीएससी पूछती है। यूपीएससी ने ओपन, लोगों ने इस ओपन चैलेंज को बोला कि हाँ भैया हमको एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पता है जो यूपीएससी पक्का पूछेगा, बट यूपीएससी हम सबकी ऐसी बात थोड़ी है, उसने एक लेवल और ऊपर चली गई, उन्होंने उसमें ऐड कर दिया ओके आपके अन्नम्माचार्य को। अन्नम्माचार्य और त्यागराज दोनों कंटेम्प्ररी है नहीं है उस पर आपके क्वेश्चन डाल दिए, अन्नम्माचार्य के कीर्तन डिवोशनल है नहीं है वगैरह वगैरह, तो ऐसे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को काफी डिफिकल्ट किया। मैंने सिंपली भैया हाथ मैंने पढ़ा था त्यागराज के बारे में, बट फिर भी आई डिसाइडेड कि भैया छोड़ देते हैं, मतलब ठीक से मेरा नहीं हुआ, मैंने इसको नहीं किया फिर ओके। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे मेरे लिए बट मैंने नहीं किया। अब अपने को पता है कि 2 और 4 इसके करेक्ट है, मतलब त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू राग, एंड दूसरी बात है अन्नम्माचार्य कीर्तन्स आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ द लॉर्ड वेंकटेश्वरा ओके। इसका मतलब वो त्यागराज कीर्ति जो है वो आपके लॉर्ड कृष्णा के नहीं होंगे, मे बी फिर शायद से भगवान शिव वगैरह होंगे, तो ऐसा इसका आंसर बनता है त्यागराज। और अगेन गाइस ये त्यागराज के बारे में तमिलनाडु बोर्ड में भी अच्छे से दिया हुआ है, तो आप लोग प्लीज इसको मिस मत कीजिएगा, तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, रूल ऑफ लॉ पूछा हुआ है, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है तो अपने आपको चाटा मारिएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल है भैया, अगर रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हो तो पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट क्या कर रही है, पीपल थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है पीपल को ओके okay, उसको आप रूल ऑफ लॉ बोलते हो। बाकी लिमिटेशन ऑफ पावर है क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ है क्या, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स मिलने चाहिए क्या, आंसर इज यस, और करेक्ट आंसर इसका आएगा वो है सी ओके okay? और ये सब आपको कैसे अच्छे से समझ में आता है, जब या तो एनसीईआरटी आप बहुत अच्छे से कवर कर रहे हो, और अदरवाइज आप लोग अरविंद सिंह राजपुरोहित के पॉलिटी के लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, ये सब चीजें हम लोग बहुत अच्छे से कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 अगेन ऐसा ही है आपका, लीगल टेंडर मनी पे है, इकोनॉमिक्स के एकदम बेसिक पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, 12th के आपका जो इकोनॉमिक्स का बुक है ओके उसमें दिया हुआ है अच्छे से, आप लोग सिंपल अगर पढ़ते हो तो भी आपको पता है कि लीगल टेंडर मनी का मीनिंग क्या होता है। इट मींस सिंपली द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर द कंपल्शन टू एक्सेप्ट ओके एंड सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, तो इसी को हम लीगल टेंडर बोलते हैं। बाकी कुछ वैल्यूज होती है जिसकी इंट्रेंसिक वैल्यू होती है, कुछ की एक्सट्रेंसिक वैल्यू होती है, तो इंट्रेंसिक वैल्यू गोल्ड की होती है, लीगल टेंडर का आपके वो पत्ते का अगर आप एक्चुअली इंट्रेंसिक वैल्यू देखो, उसकी सेल्फ वर्थ अगर देखो, तो हार्डली उसकी 50 रुपए भी वर्थ नहीं होगी उस पेपर की, बट वो 500 रुपए की नोट है, तो ये उसको एक्सट्रेंसिक वैल्यू कैसे मिलती है, इट इज बिकॉज लीगली इसको सपोर्ट किया गया है और अगला वाला इसको पक्का एक्सेप्ट करेगा, यही वाला क्लेम है, इसलिए उसको लीगल टेंडर मनी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो है वो क्वेश्चन इवन माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाके पूछा है, इसका मतलब ये है कि अब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ते बैठोगे, तो ट्रेंड अगर आप देखो 2017-18 हर साल में एक ना एक क्वेश्चन जो पूछा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, बट इसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने बाकी चीजों को कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन हुआ तो मे बी थोड़ा बहुत नीरज सर के लेक्चर्स के थ्रू आपको कवर हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो अगेन छोड़ दो, इसको बेटर है। मैंने इसको छोड़ दिया, बोला पता ही नहीं अपने को, और उस टाइम पर मुझे सच में नहीं पता था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो क्या होता है, वो तो अभी मैंने एमबीए जब शुरू किया हुआ है तब मुझे एक्चुअली अच्छे से पता चला कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसका सिंपल मीनिंग होता है, अब मैं आपको वो समझाता हूं, कि मैं एज अ अरविंद सिंह राजपुरोहित या यू नो एज अ कोई भी अगर समझो कंपनी है, जैसे कि यू नो लिनक्स वगैरह की कोई कंपनी, इसके पास में दो ऑप्शन हो सकते हैं, मेरे पास में ऑप्शन है कि मैं एक एजुकेटर बनूं और मैं आप लोगों को सबको सिखाऊं ओके। दूसरा होता है मेरे पास में ऑप्शन कि भैया मैं मेरा एक बिजनेस खोलूं, जैसे मेरा खुद के पापा का स्वीट्स का बिजनेस है और उसी को मैं जो है वो आगे बढ़ाऊं ओके। तो अगर मैं दोनों चीजों में देखूं कि मेरे पैसे जो है वो कहाँ पे आने वाले हैं, तो मुझे पता चलता है कि स्वीट्स का बिजनेस जो है उसमें ऑब्वियसली साल का मे बी मैं 1 करोड़ का टर्नओवर करूं, समझो मुझे यू नो
अगर उसमें से 30% भी प्रॉफिट हुआ तो भी मेरे 30 लाख जो है वो इनकम मेरी साल की बनने वाली है। वही एज एजुकेटर जब मैं सिखा रहा हूँ तो अलग अलग जगह पे मैं जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये लेक्चर ले रहा हूँ, वो लेक्चर ले रहा हूँ, तो मेरी इनकम जो है वो मे भी 15 लाख वगैरह हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला साल मतलब 2020 से 2021 का जो साल है इसमें मेरे पास में दो ऑप्शंस है। दो ऑप्शंस की अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखूं तो एक्चुअली ये वाले अल्टरनेटिव में मुझे एनी डे बेटर फायदा होता है, बट ये वाले अल्टरनेटिव में मेरा ज्यादा नुकसान होता है। तो इनका बोलना है कि अगर मैं ये वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, अगर मैं ए वाला ऑप्शन ले लेता हूँ तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगी वो होगी 15 लाख की। मतलब क्या कि एक्चुअली मैं 15 लाख कमा रहा हूँ बट मैं कमा सकता था 30 लाख। इसका मतलब क्या, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितने की पड़ गई, मुझे पड़ गई 15 लाख रुपए की। अगर यही समझो मैं यहाँ 40 लाख कमा रहा होता तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाती 25 लाख की। तो ये है एक्चुअली मैंने MBA में सीखा है अभी मेरे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है करके। ओके, तो यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी। अगर आप गूगल पे डालो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज द लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव्स व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चोजन। ओके, ये है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग। तो अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय गवर्नमेंट देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी जीरो, आंसर इज नो, इग्नोर्ड, आंसर इज नो। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया जीरो तो नहीं होने वाली है, क्योंकि जीरो कब होती है आपकी, आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो उन्हीं चीजों के लिए होती है जिसके लिए गवर्नमेंट को भी कोई चीज नहीं देनी पड़ रही है। मतलब एयर हो गया या फिर पानी वगैरह हो गया, तो ये सब चीजें जो है एयर के लिए, खास करके जो कॉमन गुड्स है, तो फिश हो गई या ग्रेजिंग लैंड वगैरह हो गया, वहां पे किसी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कोई नहीं है, जीरो लगने वाली है। लेकिन लेकिन जब आपकी एक कमोडिटी फ्री प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ओके, जैसे आपके अन्न धान्य किसी को दे दिए हैं, तो उसका बर्डन जो है वो किस पे पड़ता है। Okay, the opportunity cost is transferred to taxpayer and not to the government. तो ये थोड़ा सा complicated topic है। Again, नीरव सर बहुत अच्छे से इसको explain करते हैं। मैंने आपको opportunity cost का meaning समझा दिया। I suppose वो आपको clearly समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें opportunity cost क्या है? तो अगर government के पास में भी अभी ये दो opportunities हैं, okay? Government के पास में tax आया हुआ है। ये government जो है, या तो free commodity लोगों को बांटती रहेगी, या फिर गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती थी, गवर्नमेंट जो है वो इनको और अच्छी सड़क वगैरह देती थी जिससे ये टैक्स पेयर का फायदा हो, और अच्छे इंटरनेट कनेक्शन देती थी, और अच्छे हेल्थ सर्विसेज वगैरह देती थी। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, फ्री में तुम लोग जो है वो कंगा ले लो, फ्री में तुम लोग ये ले लो, वो ले लो इलेक्शन में। तो यहाँ पे तुम फ्रीबीज बांटते रहते हो ना, तो इससे नुकसान एक्चुअली टैक्स पेयर्स का होता है, बिकॉज टैक्स पेयर्स अपना और बेनिफिट जो है वो बढ़ा सकते थे, उनका बेनिफिट बढ़ा सकते थे अगर ये सारी फैसिलिटीज उनको मिलती थी। तो इनका नुकसान हुआ, इसलिए ये वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो ट्रांसफर होती है टैक्स पेयर्स को। ओके, ये है इसका मीनिंग। और आई सपोज मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया, अगर आपको समझा है आप लोग कमेंट बॉक्स में अच्छे से लिखिए यस समझ में आया मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। और क्वेश्चन नंबर 49 है आपका अगेन थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पर ही बेस्ड, इकोनॉमिक्स में कैसा लेकिन इंटरप्रिटेशन बेस्ड, आपका इजी इकोनॉमिक्स नहीं है, इसके लिए आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर ही होने चाहिए। इसमें पूछ रहे आपसे, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटल रियल GNP डू नॉट कोनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो हम लोग मेंस में पढ़ते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग है, बराबर है ना। ग्रोथ जो है वो आपकी GDP की ग्रोथ होने वाली है, लेकिन डेवलपमेंट का मीनिंग होता है आपके पूरे के पूरे तबके का। जब आपका आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में जब आप लोग अच्छा सा रैंक करो, मतलब आपका हेल्थ अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, अगर आपका सिर्फ ग्रोथ हो रहा है और आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब सिंपली इनइक्वालिटी जो है बढ़ रही है। मतलब सिर्फ एक किसी तबके का जो है वो ग्रोथ हो रहा है, जैसे रिच जो है वो और रिच बने जा रहे हैं, ये अगर इसका मीनिंग बनता है। तो अब आप लोग वापस से पढ़िए इसको, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटल रियल GNP, मतलब क्या, ग्रोथ डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, मतलब आपका हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं पकड़ा जाएगा, किस कंडीशन में, जब आपका पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज होगा तब। तो आपकी ग्रोथ तो हो जाएगी नो डाउट, बट आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ये वाला इस क्वेश्चन का मीनिंग है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 49 अगेन इकोनॉमिक्स का है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कंसेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स एंड प्रोसेस ऑफ विच इनेबल्स क्या।
अब यहाँ पे भी लोगों ने बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट की हुई थी। लोग बोले कि इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, एक्युमुलेशन ऑफ टैंजिबल वेल्थ एंड एक्युमुलेशन ऑफ इनटैंजिबल वेल्थ, इन दोनों को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो लोग बोल रहे थे 1, 3, 4 इसका आंसर होना चाहिए। फाइनल यूपीएससी ने आंसर की दी हुई है और इसमें यूपीएससी ने बोला है भैया तुम्हारा आंसर 2 और 4 है, क्योंकि एक ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग होता है। और अगेन आप लोग एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी क्लास 11 के पेज चैप्टर नंबर 5 के पेज नंबर 91 पे दिया है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हेल्थ ऑन जॉब ट्रेनिंग माइग्रेशन इन्फॉर्मेशन। तो कहीं पे भी आपका टैंजिबल वेल्थ के बारे में बात की, क्या आंसर इज नो, सब कुछ आपका इनटैंजिबल वेल्थ है। और दूसरा है आपका इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल कैपेसिटीज। तो अगेन अगर आप लोग अच्छे से एनसीईआरटीज भी कवर कर रहे हो, उसका इंटरप्रिटेशन ले रहे हो, आप लोग उसका मीनिंग समझ के ले रहे हो, देखो पढ़ना अलग बात है, उसको समझना अलग बात होती है। पढ़ तो हर कोई लेता है लेकिन समझ जो है वो हर कोई नहीं पाता है, तो इसलिए जो है वो उसको एक राइट गाइडेंस आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए। इसके लिए इसका आंसर करेक्ट सी है और मेरा भी करेक्ट ही था क्योंकि मैंने अच्छे से सोच समझ के इसका आंसर दिया था। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो आपका पूछ रहा है, डिस्पाइट बींग हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द आउटपुट ड्यू टू। अगेन ये थोड़ा सा मीन्स रिलेटेड क्वेश्चन है जहां पे हम लोग बात करते हैं कि कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो आपका जितना हो सके उतना कम रखिए। जहां पे कैपिटल आपका इंटेंसिवली यूज कर रहे हो ना, उन इंडस्ट्रीज में आप लोग प्रमोट मत कीजिए। जहां पे आपका कैपिटल कम लग रहा है, आउटपुट ज्यादा आ रहा है, वैसे इंडस्ट्रीज से फोकस कीजिए, जैसे लेदर इंडस्ट्री हो गई आपकी वगैरह वगैरह। ओके, तो लेदर इंडस्ट्री हो गई, फुटवेयर इंडस्ट्री हो गई, यहाँ पे आप लोगों का कम कैपिटल, 1,00,000 रुपए में आप लोग जो है वो एक यू नो 100 जॉब्स वगैरह जनरेट कर सकते हो। लेकिन जैसे आईटी के हो गया तो उसमें आप 1,00,000 रुपए में हार्डली आप लोग 5 जॉब जनरेट करोगे। तो ऐसे चीजों पर मत कीजिए, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो थोड़ा सा बुरा होता है। तो सेविंग रेट आपकी हाई होने के बाद भी कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट, रीजन इज बीइंग हायर कैपिटल टू आउटपुट रेशियो, ये रहा तो। ओके, सो ये कंसेप्ट अगेन आपको कब समझ में आता है, जब आप एनसीईआरटी की बेसिक बुक्स जब आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो तो उसमें कैपिटल आउटपुट रेशियो वगैरह बहुत अच्छे से दिया हुआ है और उसमें चैप्टर नंबर 13 के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यूपीएससी की फाइनल की के हिसाब से भी डी ही है। इसको अगेन आप लोग अगर समझ नहीं पाते हो तो गाइज मेरा सिंपल रिकमेंडेशन है, हमारे नीरव सर में, ओके, नीरव दा के चैनल पे आप जाइए, वहां पे आपको यूपीएससी एमपीएससी, इनफैक्ट अभी वो इकोनॉमिक्स ही सिखा रहे हैं और उनका यूपीएससी 2021 ये बेसिक कोर्स दे रहा है। तो इकोनॉमिक्स के उन्होंने मल्टीपल लेक्चर लिए हुए हैं, मराठी में भी ये हमारे सोहेल शेख करके हैं, तो वो एमपीएससी के लिए सिखा रहे हैं अभी इकोनॉमिक्स। तो आप लोग ये सब जो देख सकते हो, ये सारे के सारे रिसेंट लेक्चर्स है, आप वहां से इनको सीख सकते हो। ओके, एंड बाकी मैं तो हूं ही, आप लोगों को ये सब कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आते आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और मेरी स्लाइड्स गाइज आप लोगों को अरविंदा चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप सिर्फ इतना ढूंढिएगा आई अरविंदा, आपको मिल जाएगा। और उसपे अगेन मेरे क्वेश्चन जो है वो 2019 में 29 क्वेश्चन एज इट इज रिफ्लेक्ट होते मेरे स्लाइड से। तो भले ही मेरे लेक्चर्स जो है वो कुछ लेक्चर्स पेड है, कुछ लेक्चर्स फ्री है, बट गाइज मेरे सारे के सारे स्लाइड्स अब तक जितने भी मैंने बनाए हुए हैं सारे स्लाइड्स मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगेन आपके डिपेंड करता है कितनी आपकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से मेरी स्लाइड्स को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना तो कीजिए, उसके अलावा भी आप लोग बहुत सारी चीजें कीजिए। 24 मंथ का करंट अफेयर्स कवर कीजिए, न्यूज़पेपर मैगजीन सब जगह से कवर करना जरूरी है। एटलीस्ट कोई तो भी एक न्यूज़पेपर आप लोग 20 मिनट्स to 30 मिनट्स पढ़िए। ओके, उसके नोट्स वगैरह निकालना अलग बात है, बट अगेन आप लोग 20 to 30 मिनट्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने एमसीक्यू सॉल्व कर सको उतने कीजिए गाइज, बिकॉज जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने आपके बेटर होने वाले हैं। ओके, अगर आई होप आप सभी को लेक्चर ये वाला मेरा बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो अगर सबको पसंद आया गाइज अच्छे कमेंट लिखिए इस वाले वीडियो पर। तो देखो एक लाइव चैट में कमेंट लिखना अलग बात होती है और वीडियो के बाहर जाके कमेंट लिखना अलग बात होती है, तो प्लीज वीडियो के बाहर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, और वापस एक बार याद दिला देना चाहता हूँ, अगर आपका इकोनॉमिक्स या और भी कोई चीज वीक है, आप सबको यू नो हमारे अलग अलग बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो या आप लोग आगे अपने किसी फ्रेंड को रिकमेंड कर सकते हो। थैंक यू गाइस, यू हैव बीन सच अ गुड ऑडियंस, और आई होप मेरा सबको आशीर्वाद है कि आप सब जो जो ये लेक्चर्स देख रहे हैं उनसे आप बेनिफिट होंगे और यूपीएससी की 2020 की प्रीलिम्स क्लियर करने वाले पक्का। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।